अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वैसे तो हम सब के ख्यालात बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन आइए चले आज हम सुबह सुबह आंखें बंद करके ख्वाब देखते हैं। रेडी हैं आप लोग? सब लोग आंखें बंद करें। आंखें बंद हो गई सबकी? कैमरा जरा सही से सबकी आंखें दिखाएं। सबकी आंखें टाइट बंद करो ना, आंखें खबरदार खोली दो। हाँ, अब मेरे साथ मिलकर ख्वाब देखो, ठीक है? जब तक मैं बोल रही हूँ और जब तक मैं ना कहूँ, आंखें नहीं कोई खोलेगा। आप लोग भी अपनी आंखें बंद करें, चलें फटाफट। हाँ, अब आप लोग ये तसव्वुर करें कि आप आराम से सैलून के फेशियल बेड पे लेटी हुई हैं, आपकी स्किन पर मज़ेदार किस्म का फेशियल हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता आंखें बंद करें, गुलाब के अर्क की खुशबू आ रही है हर तरफ, आपके हाथों का मसाज किया जा रहा है, आपकी पाँव की गद्दी स्किन हटा के उसका मसाज किया जा रहा है, पेडिक्योर मैनीक्योर हो रहा है, साथ साथ आपके सर पे तेल लगाया जा रहा है, फेस का मसाज, हाथों का मसाज, पैरों का मसाज। आप अपने आप को किसी रानी से ज़्यादा तसव्वुर नहीं कर रही, बस आंखें बंद और जो सुकून का सांस एक दफ़ा आता है, अलार्म बजता है, सुबह के 5-6 बज रहे होते हैं और आँख खुल जाती है। और फिर आपकी भागदौड़ शुरू होती है। सुबह सुबह उठकर जल्दी से बच्चों को उठाना है, बच्चों का यूनिफॉर्म चेंज करवा के उन्हें स्कूल भेजना है, साथ साथ उनके लंच बॉक्स का ख्याल करना, लंच बॉक्स साथ भेजने के बाद, उनको भेजने के बाद मासी से सारे घर का काम करवाना है। इतनी देर में मियाँ उठेंगे, मियाँ के कपड़े इस्त्री करके, उनकी कंघी ब्रश घड़ी सब चीज़ें ढूंढ कर, उनको उनकी टाई बांध कर उनको ऑफिस भेजना है। नहीं, लेकिन रुके रुके, उससे पहले उनका डब्बा भी तो तैयार करना है जो उन्होंने दोपहर में लंच में खाना है। चपाती बनानी है ताज़ी ताज़ी, उनको भुजिया बना के देनी है या मज़े मज़े के खाने बना के लंच बॉक्स में पैक करके देनी है। उनको भेजने के बाद फिर मासी वाला काम दोबारा कंटिन्यू करना है, यहां से झाड़ू निकलवा के सफाई करवानी है, वहां से झाड़ू निकलवा के सफाई करानी है। उसके बाद टाइम हो गया है बच्चों के आने का, उससे पहले दोपहर का खाना तैयार करा के सब चीजें सेट करके बच्चों को स्कूल लेने जाना है, उनको लाकर उनको जबरदस्ती खाना खिलाकर उनका होमवर्क कराकर शाम की चाय और नाश्ता तैयार कर मियाँ के आने का इंतजार करना है, खुद नहा धो के साफ सुथरा भी होना है, फिर मियाँ को कंपनी देनी है, फिर आ गया रात के खाने का टाइम, रात के खाने का टाइम आ गया तो वो सर्व करना है, फिर बच्चों को सुला के जब घड़ी पर नजर पड़ती है तो बज गए हैं 10। अब क्या करना है, कल के कपड़े इस्त्री करने हैं, बच्चों के कपड़े इस्त्री करने हैं, मियाँ के कपड़े इस्त्री करने हैं, सारी चीज़ें करने के बाद फिर घड़ी पर नज़र पड़ती है तो या तो 12 बज रहे होते हैं, ये 12:30 या 1, और आप एक सुकून का सांस लेती है जैसे कि मैं भी ले रही हूँ। आपकी आंखें नींद से बोझल हो चुकी हैं, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, जिसम दुख रहा होता है, फिर कहाँ ख्याल रहता है क्लेंजिंग का, फेशियल मैनीक्योर पेडीक्योर मसाजिस का। उस वक्त तो आपको एक बिस्तर चाहिए जहाँ पे आप खराटे जोर जोर के मर्दों की तरह खराटे लेके सोएंगे, क्योंकि आप थक चुकी हैं। और यही होता है हर उस औरत के साथ जिसके ऊपर घर की ढेर रोज जिम्मेदारियाँ होती हैं और ज़रूरत भी सही होती है इन सारी चीज़ों की, मगर इस सारे ख्वाब देखने के बाद आपको झटका जो लगता है वो दो झटके होते हैं, एक होता है महंगाई का झटका और एक होता है वक्त की कमी का झटका। वक्त की कमी का झटका तो मैंने आपको सुना दिया, अब महंगाई का झटका ले लीजिए जी। फेशियल की कीमत तकरीबन 2,500 से 5,000 तक होती है, ठीक है, 7-8 हज़ार तक भी जाती है, कुछ पता नहीं, अच्छे अच्छे सैलून वाले पता नहीं कितना बिल बना देते हैं। हाँ जी, मैनीक्योर पेडीक्योर का जो झटका है वो है 1500 से लेकर 3,000 तक का झटका। हेयर डाई अगर कराना है तो वो 4.5 से लेकर 6, बहुत कम प्राइस लिखिए भाई, वक्त पुराना हो गया है ये 4.5 और 6 वाला, आप तो कोई 15-18 की कहानी हो गई है, भूल जाए। इतने इतने बालों की तो होती नहीं है हमारी खवातीन जो हाउस वाइफ होती हैं, उनके कम से कम इतने या इतने बाल तो होते हैं, तो उसमें कोई 15 से ऊपर का झटका भी लग सकता है। हेयर ट्रीटमेंट्स वो तो छोड़ दें, तेल ही घर में लगा लें वो भी बहुत है, हेयर ट्रीटमेंट्स 1500 से 4,000। और वैक्स जो कि हमारी ज़रूरत है वो भी 800 से लेकर 2,000 तक, ये पैसे कहाँ से आएंगे, हैं क्या जेवर बेच के लाओगी, वही मियाँ की जेब से निकालने पड़ेंगे और वो निकालना कोई आसान काम नहीं है हमारे लिए, चाहे वो हमें कितने ताने दे रहे हैं, कितनी मोटी हो गई हो, ऐसे तुम्हारे मुंह पे बाल निकल आए जैसे मेरी शेव है उतनी ही तुम्हारी भी शेव है,
मतलब ये सारी चीजें सुनने के बाद फिर भी उनके जेब से पैसे नहीं निकले। तो ये झटके हैं जो आपको लगते हैं, मगर इन झटकों से बचाने के लिए स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं और आज हमारा प्रोग्राम उसी स्पीड ब्रेकर का काम करेगा, क्योंकि हम आपको झटकों से बचाने की कोशिश करेंगे। हम आपको बताएंगे सैलॉन वर्सेस घरेलू ट्रीटमेंट्स जो कि आप अपने घर में कर सकते हैं अगर सैलॉन नहीं जा सकते। हाँ, जाहिर है घरेलू ट्रीटमेंट्स का वो इफेक्ट नहीं आता जो सैलॉन जाते ही पैसे खर्च करते ही फटाफट उसी दिन में आ जाता है और आप शादी में चली जाती हैं तो लोग आपसे पूछते हैं हा हा ये चमक कहाँ से आई, मियाँ ने तो तुम्हें बड़ा खुश रखा है। सारा क्रेडिट मियाँ को चला जाता है, हालांकि होता है सैलॉन वालों का, क्योंकि वह आपको महंगी महंगी चीज़ें आपके मुँह पर मल कर आपको ज़बरदस्त चाकू चौबंद बना देते हैं। उतनी ही देर शायद आपको 15-20 दिन लग जाते हैं अपने आप को चमकाने में अगर आप पैसे कम खर्च करें और घर में ट्रीटमेंट्स करें। लेकिन फिर भी हम आपको दोनों बता रहे हैं क्योंकि जो आपकी जेबी इजाजत देंगी वही आप जरूर करें, मगर 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 वक्त निकालना आपका काम है, बेवकूफ ना बनना सैलॉन जाकर आपका काम है, क्योंकि मैं आपके साथ सैलॉन नहीं जा रही हूँगी। मैं सिर्फ आपको अच्छे बुरे की तमीज सिखा दूंगी यहाँ अच्छे सैलॉन वालों को बुला के, अच्छे टिप्स देने वालों को बुला के, ताकि वो आपको ज़रा चलाक बना सकें और आपको पता हो कि आपके साथ जिस कुर्सी पे सैलॉन की कुर्सी पे बैठ के जो काम हो रहा है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है सैलॉन जाकर या घर में रहकर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जनाब यहाँ आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको सैलॉन जाना है और सैलॉन में कौन कौन से ट्रीटमेंट्स आ गए हैं जो आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगा सकते हैं और आप टाइम भी निकाल सकते हैं, तो हम जाएंगे जी आलिया फारूक के सैलॉन आज। आलिया फारूक हमारे साथ। आलिया यहाँ इसलिए आई हैं क्योंकि ये हमेशा नए नए ट्रीटमेंट्स लेकर आती हैं जो कि आपकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं और आपको चमकदार चमकता हुआ चेहरा, कहते हैं ना चांद सा चेहरा बना देते हैं। यहाँ आलिया क्या क्या ट्रीटमेंट्स बताने वाली हैं वो हम इनसे पूछते हैं। जी आलिया, मैं करूँगी आज फुल बॉडी डिटॉक्स। अच्छा, उससे क्या होगा? फुल बॉडी डिटॉक्स में ये होगा क्योंकि एक तो मौसम बदल रहा है। अच्छा, और दूसरा ये कि हमारी बॉडीज में बहुत सारे टॉक्सिन्स यानी कि फजूल मादे जो हैं वो जमा होना शुरू हो जाती है, बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं, आपकी फेस की ग्लो खत्म हो जाती है, दाने निकल आते हैं, बाल खराब हो जाते हैं। खासतौर पर अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो या कुछ ऐसे मसले हों जो कि आजकल बहुत कॉमन है, तो आपके बालों में ड्राइनेस आनी शुरू हो जाती है, आपकी स्कैल्प में बहुत सेंसिटिविटी पैदा होना शुरू हो जाती है, पसीना आता है, डैंड्रफ होती है, फिर अगर हम मुंह की तरफ आ जाएं एक्नी, रेडनेस, सेंसिटिविटी, ओपन पोर्स, कम्प्लेक्शन का डल और डार्क होना, वो फिर अगर हम पाँव की तरफ आ जाएं तो पाँव में इतने मुसाम होते हैं कि वो सारी बॉडी को डिटॉक्स कर लेते हैं यानी कि फजूल मादे सारे निकाल लेते हैं। अच्छा, और अगर आप देखें कभी अगर आप समुंदर पे जाएं तो आप पानी में अगर जाते हैं तो थोड़ी देर के बाद जब आप निकलते हैं तो आप बहुत लाइट फील करते हैं, ऐसे लगता है आप हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि वो बॉडी आपकी डिटॉक्स कर जाती है नमक वाले पानी के साथ। तो इसी तरह एक टॉक्सिन बताऊंगी जिसमें हम पाँव सोक करेंगे और आप लाइट फील करेंगे और साथ आपकी हील्स पे जो एक नई टेक्निक आई हुई है वो सारी फटी हुई हील्स, आपके क्यूटिकल्स, वो सारे साफ कर देगी। आज हम पूरे तो हम एक पूरा ओवरऑल बॉडी डिटॉक्स करेंगे जो स्कैल्प से शुरू होकर पाँव, यानी खाली चेहरे की चमक नहीं होगी, वो पूरी बॉडी को डिटॉक्स करेंगे। बॉडी के खवातीन जो है वो अपने आप को बहुत लाइट फील करेंगे। ठीक है जी, यहाँ सैलॉन वर्सेस घरेलू ट्रीटमेंट, जाहिर है हर कोई नहीं जा सकता सैलॉन, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, या शायद पैसों का मामला हो या टाइम का मामला हो या वो ऐसे इलाके में रहते हो कि नहीं निकल सकते हो, उनके लिए भी हमारा प्रोग्राम है और उन सबको बताने के लिए जो डरते भी है ना कि हम सैलॉन जाएं और हम ये करें या ना करें, उनके लिए हम घरेलू ट्रीटमेंट बताएंगे और वो बताएंगी डॉक्टर उमेरा ही। आपसे क्या सीखेंगे आज? देखिए जो आलिया बताएंगे वो सारे ट्रीटमेंट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि जो लोग यहाँ तक नहीं आ सकते, दूसरे नंबर पे जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, वही तमाम चीजें घर
घर में कैसे कर सकते हैं। अच्छा, और बहुत कम पैसों में किचन की चीज़ों से कुछ चीज़ें लेके बहुत ही अपने बजट के अंदर रहते हुए उसको वो कैसे कर सकते हैं वो अपने घर में बैठे हुए करें। ऐसे कभी आपके पास टाइम नहीं था तो आप भी ऐसा करती हैं कि खुद आप अपने ऊपर अप्लाई करिए वो चीज़ें? शुरू में करती थी जब टाइम था, अब तो खैर काफ़ी अर्सा हो गया बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो मैं भी इधर उधर ही जा रही होती हूँ। लेकिन सैलून में एकदम इंस्टेंट रिजल्ट आ जाता है, इनका रिजल्ट थोड़ा सा सब्र के बाद। बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने करते रहना है, और फिर सबसे बड़ी बात है कि ये ट्रीटमेंट करने के लिए आपको घर में पुरसकून होकर बैठना ज़रूरी है। बिल्कुल, अगर आप वर्किंग लेडी हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत हेक्टिक लाइफ गुजार रहे हैं, तो उसके लिए फिर जाहिर सी बात है आपको थोड़ा सा दिमागी तौर पर सुकून चाहिए। बिल्कुल, वो सैलून में जाके मिलेगा। ठीक है जी, आइए जी, हम हमेशा वैसे तो हम आपके ऊपर ट्रीटमेंट्स करते हैं जो यहाँ लोग बैठे हैं, आज भी हम उनके ऊपर करेंगे, लेकिन हमारे पास आज दो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, एक जिनकी शादी होने वाली है और एक जिनकी शादी हो चुकी है, और दोनों ज़ाहिर लड़कियों को क्योंकि शो बिजनेस में हैं, काम कर रही हैं, ड्रामों में आपको नज़र आ रही हैं, बिजी लाइफ है, तो उन दोनों को कोई ना कोई ट्रीटमेंट तो लेना पड़ता है हमेशा। वो क्या ट्रीटमेंट्स लेती हैं, उनकी खूबसूरती का क्या राज है, आइए उनको बुला के पूछते हैं। हमारे साथ हैं यहाँ अरुहा एंड ईशा नूर। भाई तुम लोग अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखते हो, अपने फैंस को बताओ कैसे रखते हैं? बहुत मैं तो स्किन को मॉइस्चराइज करती हूँ बहुत ज्यादा, जैसे तुम घर जाती हो तो मेकअप कैसे? मेकअप रिमूव करती हूँ क्लेंजिंग करके। अच्छा, उसके बाद फेस वॉश करने के बाद क्लेंजिंग मॉइस्चराइज करती हूँ। अच्छा, क्रीम से मॉइस्चराइजिंग क्रीम आप कोई भी अगर अच्छी, तो मेकअप तो हमारा ज्यादा होता है ना, तो तुम क्या वाइप्स? वाइप्स से। अच्छा, वाइप्स से, वाइप्स से साफ करके पूरा। मेरा जो है ना, मैं शुरू से ऑलिव ऑयल से करती हूं। अच्छा, ऑलिव ऑयल से, ऑलिव ऑयल से क्लेंजिंग करती हूं। अच्छा, तो उससे मेरी उतर जाता है, जल्दी उतर जाता है, और स्किन ना आपकी ड्राई नहीं होती कभी, मेरी सर्दियों में भी कभी स्किन नहीं फटी। अच्छा, ड्राई नहीं हुई, ड्राइनेस से भी बहुत अच्छी स्किन है शुरू से, और लोग कहते हैं कि बेबी स्किन है मेरी अभी तक, और तुम्हारे दाने वाने भी मैंने नहीं देखे, दाने नहीं होते। कल रात को ही निकला था और तुम्हारे दाना निकलते हैं इनको रस्ते में, हम लोग साथ ही आए तो इनको ये बोल रही थी, मैंने कहा आप मेरी स्किन देखिए क्या हाल हो गया, कंटिन्यूसली शूट चल रही है तो टाइम नहीं मिल रहा, और शादी के बाद और भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तो वही उसी वजह से। तो बहुत सारे लोग ये करते हैं, जब शादी से आते हैं ना, मेकअप वगैरह नहीं उतारते, वो सो जाते हैं। हाँ सही कह रही हो, उनको बिल्कुल पता ही नहीं है कि क्या किस तरह करना है। मेरे अपने ही कुछ कजन्स हैं ऐसे, उनको पता ही नहीं, वो कहते हैं अच्छा ये भी इस्तेमाल होता है, और अगर लाइक उतारते भी है ना मेकअप तो सिर्फ मुंह धो लेते हैं, ऊपर से बेस हल्की सी लगी हुई होती है वो नहीं उतरती, तो ये क्लेंजिंग करना जरूरी है। आप देखो आम लोग शायद इतना ब्लो ड्राई आयरन नहीं कराते होंगे, तुम दोनों कराते हो, तो बालों का ख्याल कैसे रखते हो? बालों के लिए ये है कि फिर वो सलॉन्स की तरफ हम रुख करते हैं। अच्छा, और वो क्या करते हो? प्रोटीन ट्रीटमेंट्स और इस तरह की जो भी आ गई हैं डिफरेंट, जरूरी है ना, बिकॉज डैमेज बहुत होता है ना, लाइक ये हमने बाल कर्ल करा लिए, और मेरा तो अभी एक लुक चल रहा है जो कि एक महीने से चल रहा है, डेली कराने पड़ते हैं। अपने ड्रामे में रखा हुआ है वो। और तुम्हारा चक्कर भी यही होगा? मेरा भी यही होता है, क्योंकि मेरा ये जब मैं शोबिज में आई थी, मेरी मम्मी बहुत तेल लगा के, बाल तो बहुत लंबे थे, वो छोटी मोटी बाल थी, अब तो छोटे के अलावा पतले भी हो गए, और ये देखिए ना यहाँ से सब बाल खत्म हो गए, गंजी हो गई। कि मुझे याद है कि इसके तो बहुत अच्छे लंबे अच्छे बाल थे, तो वही बता रही हूँ कि अम्मी बहुत छोटी बांधती थी तेल वेल लगा के, तो अब वो जाहिर है कहाँ, अब बिजी इतना होता है टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मेरी अम्मा जब मैं सो रही होती हूँ ना, तो आके हल्के हल्के से ऐसे ऐसे करके लगा के चलती जाती यार देखो जरा अम्मा क्या ये सास कर दी नहीं अब अभी तो ऐसा ऐसा करेंगे ये आलिया करती होंगी मुझे लगता है ये बहुत लाडली सास होंगी। हाँ जी, तुम लोग को आज मैं यहाँ बैठाऊंगी। हाँ ठीक है, आज तुम लोग को यहाँ बैठाऊंगी, और आज हम लोग स्पेशल रिलैक्सेशन के लिए आए हैं, समझो कि तुम सैलून आए हो, तुम काम पर नहीं आए, भूल जाओ कि तुम्हें कोई चेक मिलेगा। चलो ठीक है, अच्छा सही है ना, अच्छा है, थोड़ी सी स्किन भी अच्छी हो जाएगी ना, अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए, हाँ वो भी चेक के जैसे ही है। और क्या, सैलून में सारे हालत पतली हो जाती है, मतलब हाँ तुम यहाँ बैठ जाओ तो बारी बारी तुम लोग कुर्सियाँ एक्सचेंज भी होती जाएंगी जब बालों का मामला आएगा। अच्छा, तब कभी तुम लोग हर चीज का मामला आएगा ना अभी, क्योंकि हाँ जाहिर है क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक सारा वो हो रहा है ना, खवातीन को क्या क्या अपना ख्याल रखना चाहिए ये सब हम आपको बताएंगे, क्योंकि फिर वो एक सर्टन एज के बाद आप कहती हैं हाय अल्लाह मैंने क्यों नहीं ऐसा रखा, अगर मैंने ऐसा ख्याल रखा होता तो मेरे भी हाथ फलां की तरह खूबसूरत होते, मेरे भी पैर फलां की तरह खूबसूरत होते। तो हम आपको जरा पहले से ही गा रहे, पहला ट्रीटमेंट आलिया क्या करने जा रही हैं आप?
पहले हम करेंगे चारकोल डिटॉक्स फेशियल। अच्छा। और ये बेसिकली आपके दानों को कंट्रोल करेगा। हाँ। आपकी स्किन को ब्राइट। मैंने तुम्हें सही बताया बिठाया ना, दाने हो रहे हैं ना स्किन पे। हाँ। तो हमने छुपाए हुए हैं। अच्छा, आपकी स्किन को डिटॉक्स करेगा। डिटॉक्स का मतलब है कि जितने भी दाने हैं, निकल रहे हैं या निकलने वाले हैं। अच्छा। उनको खत्म करेगा, आपको एक ब्राइटनिंग इफेक्ट देगा। चारकोल आपको पता है आजकल बहुत ज्यादा चला हुआ है आजकल मार्केट में, बहुत इन चीज है। क्योंकि चारकोल जो है एक्टिवेटेड चारकोल, ये नहीं कि कोयला आप बारबेक्यू वाला उठा के उससे मुंह पे मलबो वाला नहीं होता। कल बारबेक्यू किया, आज भी मसाले वाला कोयला उठा के लगा लिया। एक्टिवेटेड चारकोल होता है आजकल, इसको पेस्ट फॉर्म में भी मिल रहा है और पाउडर फॉर्म में भी मिल रहा है। बिल्कुल, ये है, ये मैंने पेस्ट बना ली। अच्छा। है इसकी अभी। वैसे तो नॉर्मली जो हमारी, ताकि हम लोगों को बताएं ना कि वो अगर जैसे ये ट्रीटमेंट अगर कोई और भी सैलून करे तो किस तरह की चीज होनी। बिल्कुल, ये मैं जरूर बुक करूंगी, बोलूंगी कि अगर आप सैलून जाएं और सैलून जाके आप कोई भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप प्रोडक्ट देखें कि कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। आपका हक है। बिल्कुल, क्योंकि आप अगर इतना प्राइस पे कर रहे हैं किसी भी ट्रीटमेंट के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट्स आपके जेन्युइन हैं या नहीं। सबसे पहले आप क्लेंजिंग करके ये लगा। बिल्कुल, हम सबसे पहले क्लेंजिंग करेंगे। ये मास्क, इसका फेशियल थोड़ा सा उल्टा है, पहले पूरी अच्छी तरह से क्लेंजिंग करके हम हल्की सी एक माइल्ड एक्सफोलिएशन करते ताकि डेड स्किन सारी उतर जाए, फिर हम ये मास्क लगाते हैं। मास्क 10 मिनट्स के लिए लगा रहता है। उस मास्क क्या करता है कि अंदर से सारा कुछ जो है ये चूस लेता है मुंह में से, फिर उसके बाद हम बाकी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं मास्क के बाद। ठीक है, फिर इसके अंदर हम ऑक्सीजन इन्फ्यूज भी करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ, जो कि पूरी बॉडी को थोड़ा थोड़ा आप चीजें उठा उठा के बताते रहे कि जब तक इसकी क्लेंजिंग हो रही है। आपने सबसे पहले कहा कि जब आप क्या कहते हैं इसे क्लेंस करने कर लेंगी तो सबसे पहले आप ये वाला नहीं, हम सबसे पहले इसकी जो है एक्सफोलिएशन बनाएंगे। ये एंजाइमेटिक पील है। अच्छा। इसको हम प्याले में डाल के जरा से पानी के साथ मिक्स करके उसी वक्त बनाएंगे या अभी भी बना सकते? नहीं नहीं, अभी उसी वक्त बना लूंगी, अभी भी बना लेती हूं। अभी बना लेना ताकि हम जब तक वो काम कर लेते। ठीक है, बस ये पाउडर है। देखा, सोच रही फायदा हो गया, कितना ख्याल रखता है ना हमारा। अच्छा, अब पानी चेंज कर लो। इकबाल, ये लोग लड़कियों से बातें बाद में करना, जल्दी से ये फेंको। जल्दी से दूसरा पानी लेकर आओ, फटाफट फटाफट भाग के। हाँ बस। अच्छा। इसको हम पानी में डाल के मिक्स करके इसकी पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा पानी उधर है, इधर पानी है। अच्छा, आ रहा है। ठीक है, पेस्ट बनाने के बाद इसको हम 5-7 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, छोड़ने के बाद फिर हम ये चारकोल मास्क जो है पूरे मुंह पे लगा देंगे। अच्छा। ये अपना वर्किंग करेगा 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से अंदर से। ये लगा होगा? नहीं, इसको वाइप ऑफ कर देंगे। अच्छा, क्योंकि ये, हाँ, ये एक्सफोलिएशन है ना, ये क्या काम करेगा? ब्लैकहेड्स, हाँ, स्किन को सॉफ्ट करेगा, डेड स्किन सारी उतारेगा। ठीक है, इसके दानों के ऊपर, इसकी जो ओपन पोर्स है सारों के ऊपर से उसको जो एक डेड स्किन जमा हो जाती है वो सारी उतार देगा। अच्छा, स्किन को प्रिपेयर करेगा चारकोल मास्क के लिए। अच्छा, ये फिर जब हम मास्क लगाएंगे तो ये अच्छी तरह से सारी अपनी वर्किंग करेगा 5-6 मिनट में, अंदर से सारा कुछ जो है वो चूसेगा और अपनी स्किन को तैयार करेगा। मसाज की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, हम जो जिस तरह बात की कि झटका देते हैं, हम झटका देते हैं बट हम विद इन 40 मिनट्स आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे देते हैं। घरेलू टोटके भी बहुत अच्छे हैं बट उसमें थोड़ा सा आपको रोज 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 करना पड़ता है। पेशेंस की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है। बिल्कुल, पेशेंस की जरूरत है। ओवरनाइट रिजल्ट्स जो हैं हमें अगर चाहिए होते हैं तो सैलून ट्रीटमेंट से आपको 40 मिनट्स में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। अच्छा, जैसे ये बहुत ज्यादा दाने वाली स्किन है, बहुत ज्यादा ओपन पोर्स है, वो सारे लोग ये करवा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एवरी टाइप ऑफ स्किन इसके लिए जा सकती है। बट ये सिर्फ अगर आपकी बहुत ड्राई और सेंसिटिव स्किन है, फिर आपने आंखों के करीब और गर्दन पे नहीं लगाना क्योंकि ये काफी एब्जॉर्ब कर लेते हैं एक्सेसिव ऑयल। अच्छा, प्लीज खवातीन को ये बताएं कि क्लेंजिंग जब आप करिए तो किस प्रोडक्ट से करिए? क्लेंजर, हम क्लेंजिंग हम जब भी करते हैं हम क्लेंजिंग मिल्क से करते हैं। हाँ। चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। प्रोडक्ट्स दिखा सकती हैं? अच्छा, दिखा सकती हैं। हाँ। ये क्लेंजिंग मिल्क है, ये वाइटनिंग क्लेंजिंग मिल्क है क्योंकि हमारी स्किन में बहुत सारे टू टोन्स हुई होती हैं खासतौर पे गर्मियों में। अब सर्दियां और गर्मियों का मौसम है। डॉक्टर रिम्पलर के प्रोडक्ट्स हैं ये, अच्छे होते हैं ये सारे फ्रेंच प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, और इसी के साथ आप क्लेंजिंग करते हैं। अगर आप बहुत एक्नी और बहुत ऑयली स्किन है तो फिर आप मूस यूज करते हैं जो कि वाटर बेस्ड मूस होते हैं। जैसे वो किसका होता है? वो भी इजाबेल लॉन्ट्रे के हैं, मतलब हर ब्रांड अच्छी ब्रांड्स हैं सबके। अभी हैं। कुछ है सब अभी मैं लेके नहीं आई क्योंकि मुझे इस फेशियल का करना। अच्छा। था तो इस फेशियल पे सिर्फ यही लेकिन वाला वो ऐसा जाता है। झाग की तरह निकलता है जिस तरह हेयर मूस होती है। हाँ, हाँ, हाँ। आप हिलाते हैं मूस निकलती है, उसी से आप मुंह साफ करते हैं।
फेस वॉश में वो ड्राई स्किन टाइप के लिए, वो ऑयली एक्नी स्किन के लिए होते हैं, रेडलेस स्किन के लिए होते हैं, जो रेड सेंसिटिव स्किन के लिए होते हैं। और अगर आप फेस वॉश ना यूज करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फेस वॉश में जितनी भी झाग वाला प्रोडक्ट होगा ना, वो आपकी स्किन को टाइट करता है और फिर वो और सेंसिटिव होती है और खिंचती है। तो जिस तरह ये करती है कि ये ऑलिव ऑयल के साथ क्लेंजिंग करती है, बहुत अच्छी चीज है कि आप ऑलिव ऑयल से क्लेंज करते हो। मैंने और मैंने पता भी नहीं था, मीडिया में क्लेंजिंग शुरू से ऑलिव ऑयल, और मैंने यही देखा है कि अगर आप अच्छा, कई लोगों को मैंने ये देखा है कि वो टोनर्स के साथ क्लेंजिंग कर रहे होते हैं, एस्ट्रिंजेंट्स के साथ क्लेंजिंग कर रहे होते हैं, गलत है, वो आपकी स्किन को और ड्राई कर देते हैं। मैं क्या करती हूँ ना, मैं घर जाके पहले मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा क्लेंज करती हूँ, फेस वॉश करती हूँ और फिर टोनर से भी क्लेंज करी होती, वो गलत है। नहीं, वो बहुत अच्छा करती है, क्योंकि वो क्या करता है, क्योंकि क्लेंजर के अंदर हल्का सा ग्रीसीनेस होती है। अच्छा, तो वो जब आप टोनर यूज करते हैं तो जो इसकी चिकनाहट होती है वो टोनर उसको वाइप ऑफ कर देता है। तो आपने स्किन को प्रिपेयर कर लिए अगले स्टेप के लिए, चाहे उसके बाद तुम एक्सफोलिएशन करो, चाहे उसके बाद तुम अपना मॉइस्चराइजर लगा लो, या कोई भी आप सीरम लगा सकते हैं अपनी। ये सीरम्स आते हैं, अच्छा, ये वाटर बेस्ड होते हैं और ये इंस्टेंट रिजल्ट्स देते हैं। अच्छा, एक और चीज, खवातीन जैसे शादी वगैरह से घर आती है ना, या अब तो ये लोग तो शूटिंग्स पे जाती होंगी, हम लोग अगर आप लोग आम तौर पे तैयार होती तो बर्थडे पार्टीज या शादियों में जाती है, तो ये क्या करती है, अपने आंखों के इर्द गिर्द स्पेशली ना काजल और मस्कारा उतारने के लिए इतना रगड़ 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 के क्लेंजिंग से लाइंस नहीं पड़ जाती। जब आप आंखों की क्लेंजिंग करें, हमेशा याद करें कि ये दो छोटी उंगलियां यूज करनी है, क्योंकि इसमें प्रेशर नहीं होता। अच्छा, इसमें तो बहुत क्या इस्तेमाल करें कि ये इतना ज्यादा रगड़ना ना पड़े। आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, आप आमंड ऑयल ले सकते हैं, आप कोई भी क्लेंजिंग मिल्क ले सकते हैं। अगर इनमें से नहीं है, ये बहुत हैवी प्रोडक्ट्स हैं, आप इसके साथ अपना यूज कर सकते हैं जो के मेकअप रिमूवर्स आते हैं लिक्विड फॉर्म। अच्छा, आई मेकअप रिमूवर्स लिपस्टिक रिमूवर्स होते हैं वो। अच्छा, एक ही इस्तेमाल हो जाते हैं। अच्छा, बहुत लाइट फॉर्म में होते हैं, लेके हल्का सा आपने हल्की सी राउंड सर्कल मूवमेंट करा, आपकी झुरियां आंखों के नीचे सबसे पहले पड़ जाए, क्योंकि वहाँ पे ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते और यहाँ पे भी झुरियां सबसे ज्यादा पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे भी ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते। आप देखें, एजिंग का प्रोसेस सबसे पहले यहाँ से शुरू होता है हाथों से, और यहाँ से शुरू होता है। सही बात, तो गर्मियाँ आ रही हैं और स्किन खराब हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मैं आपको जरा स्टेप्स दिखा रही हूँ कि क्लेंजिंग जैसे करें तो स्टेप्स बताओगी, खवातीन जब खुद करें तो कैसे करें, माथे पे इस तरह करें, ठीक है, गालों पे भी इस क्लेंजिंग तरह क्लेंजिंग आपने हमेशा राउंड मूवमेंट्स में करनी है, लाइट मूवमेंट्स करनी है, ये मसाज मूवमेंट्स नहीं होती इसमें, हमने अपने पोर्स को खोलना नहीं होता। अच्छा, ये अलग किस्म की है, बिल्कुल क्लेंजिंग इस तरह लाइट सर्कुलर मूवमेंट्स में क्लेंजिंग होती है, पोर्स में आपने इसको नहीं खोलना होता, पोर्स खोलेंगे तो क्लेंजर सारा अंदर जाएगा। कुछ सैलॉन्स में ये है कि बहुत रगड़ रगड़ के रगड़ने वाला सिस्टम अब मसाज में भी नहीं है और ना क्लेंजिंग में। अच्छा, पोर्स कैसे खुलते हैं ये बताएं, क्या करते हैं जो हम पोर्स आपके तब खुलेंगे जब आप 1 से 2 मिनट के बाद ज्यादा सर्कुलर मूवमेंट्स करेंगे तो पोर्स खुलना शुरू हो जाएंगे। तो क्लेंजिंग जो है वो हार्डली 30 सेकंड्स to 40 सेकंड्स की होती है, चाहे आप उसको दो दफा कर लें। अच्छा, दो दफा क्लेंजिंग होती ही होती है, क्योंकि एक दफा मेकअप उतरता है सारा। हाँ, अगर आप मेकअप नहीं भी करते तो आपकी जितनी भी डस्ट पोल्यूशन ये जितना भी है उसको उतारने के लिए होता है। सेकेंड क्लेंजिंग आपकी सबसे अच्छी होती है, जिसको जो आपकी स्किन साफ सुथरी कर देती है। ठीक है, ठीक हो गया। अब हमारी क्लेंजिंग होगी सारी, जो पाउडर था उसमें हम पानी में यार पानी दूसरा लेकर आओ, और बॉटल पानी की बॉटल ले दें, पानी की बॉटल, जो पीने के पानी की बॉटल है ना वो दे दें। हाँ, ये मिल गई मेरी, जल्दी 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 पानी। अच्छा, ये इस बात का भी बहुत ख्याल रखें, जो चीज़ आपके चेहरे पे लग रही है, पानी न जाने टैंकर का आ रहा है, कहाँ आ रहा है, किस चीज़ का आ रहा है। अच्छा, आप सैलॉन जाए तो मिनरल वाटर का इस्तेमाल करें, वो आपके प्रोडक्ट्स में जब पानी मिला है, इस चीज का भी ध्यान रखें, क्योंकि जब आप पैसे दे रहे हैं, ठीक है ना, या तो आप सैलॉन वालों को बोलें पता नहीं कैसा पानी मिला देंगे, किस चीज में फ्रेंच क्रीम है और पानी जो है वो आप टैंकर का और बाल्टियों का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये दिस इज रॉन्ग। ठीक है, ये हमारी एंजाइमेटिक पील बन गई। हाँ, इसको अब हमने पूरे मुंह पे लगा दिया। अच्छा, ठीक है, ये अच्छा दानों के लिए। अच्छा, ये दाने और ये जो स्पॉट्स बने हुए टू टोन स्किन अगर नजर आ रही है। हाँ, ये सारी इसको क्लियर करेगी। अच्छा, ये प्रोडक्ट किस चीज की है ये दिखा सकते हैं? ये भी डॉक्टर रिम्पलर की है। अच्छा, डॉक्टर रिम्पलर की एक नई रेंज आई है जिसको हम डिटॉक्स फेशियल कहते हैं, चारकोल डिटॉक्स फेशियल। हाँ, तो ये सारी इसी की है और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। हाँ, ठीक है,
ठीक है। अच्छा जैसे सैलून में जाएं तो ये एक चम्मच डिपेंडिंग ऑन द फेस, कितना बड़ा फेस है, कितना बिल्कुल कितना बड़ा फेस है उसके हिसाब से। ठीक है ये सारा लगेगा, ये पूरा लगा के इसको हम 5 to 7 minutes के लिए हम छोड़ देते हैं। ठीक है। और अगर आपके पास, क्योंकि अब वो स्टीमर वाला जमाना नहीं रहा कि आप स्टीम दें और पोर्स खोलें, ये पॉइंट टू बी नोटेड, बिल्कुल स्टीमर वाला जमाना नहीं है, प्लीज बताइए कि स्टीम नहीं देते किसी भी सूरत में। बट कभी कभी कोई प्रोडक्ट ऐसे आते हैं जिनको गर्माइश की जरूरत होती है, गर्माइश मिलेगी तो वो एक्टिवेट होते हैं। अच्छा, तो इसमें हम गर्म तौलिए रखते हैं मुंह के ऊपर ताकि जो भी एंजाइमेटिक पील है वो अच्छी तरह से अंदर पेनिट्रेट होके स्किन को साफ सुथरी कर दे, डीप क्लेंस कर दे। रखते हैं एक जनरल बात, किसी और जनरली कह रही हैं कि स्टीमर आप यूज नहीं करते, नहीं करते, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती है जिसमें एक गर्म तौलिया रखना पड़ता है ताकि वो एक्टिवेट हो जाए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम आपको वापस आएंगे और ऐसी ही पते की बातें हम आपको आज बताएंगे अपने शो पे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी जनाब, जिस तरह मेरे चेहरे पर अभी आपको मुस्कुराहट नजर आ रही है, आपके चेहरे पे तब नजर आएगी जब आप सैलून जाएंगे या वही ट्रीटमेंट आप घर में करेंगे और जगमगाती हुई स्किन आपकी हो जाएगी। हमारे साथ आज अरोहा और ईशा नूरिया मौजूद हैं और ये दोनों ट्रीटमेंट्स ले रही है, एक ले रही है सैलून से और एक ले रही है डॉक्टर उमेरा हील से, जो घर में आपको बताएंगे किस तरह आप ट्रीटमेंट्स दिलवा सकते हैं। जैसे कि इन्होंने चारकोल मास्क लगा दिया है आलिया ने, ठीक है, अरोहा के फेस पर, वैसे क्लेंजिंग की जा रही है ईशा के फेस पर। है चारकोल मेरे हाथ पे लग गया। ईशा के फेस पे क्लेंजिंग किस तरह की जा रही है डॉक्टर उमेरा हील, ये बताइए। ईशा के जो फेस, इसकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, ऑयल भी बहुत आ रहा होता है, इसके स्किन की जो हम क्लेंजिंग करेंगे खासकर गर्मियों में, हम कर रहे हैं नमकीन लस्सी। नमकीन लस्सी, लस्सी जो होती है नमकीन लस्सी, जैसे छाछ जिसे हम ये आधी पी लें और आधी बचा लें, थोड़ी सी बचा लें जैसे ये, और इससे बड़ी जबरदस्त क्लेंजिंग होती है। क्या क्या होगा, नमक और नमक, पानी और दही। अच्छा, तो नमकीन लस्सी है, उसमें झाग भी अगर आ रहा है तो वो भी इस्तेमाल कर लें, आप देखेंगे स्किन पे चमक आ जाएगी, स्पॉट्स नेचुरली फेड हो जाएंगे और मेकअप वगैरह भी बड़े आराम से रिमूव हो जाएगा। क्लेंजिंग, मैंने पहली दफा सुना है कि लस्सी से, हम लस्सी से, इसे कि अभी जो मेकअप है सारा ईशा का लस्सी से ही उतारा है। अच्छा, हल्की सी जो क्लेंजिंग की है फेस पे तो वो इससे की है, लस्सी से हमने क्लेंजिंग की है, उसके बाद जो हम फ्रूट का मसाज करेंगे और फिर हम मास्क लगाएंगे। अच्छा, जो फ्रूट का मसाज होगा उसकी चीजें आप कैसे बनाएंगी जरा वो हमें बता दें, हम चीजें तैयार करके रख लें जब तक ईशा की क्लेंजिंग हो रही है। अच्छा, फ्रूट के मास्क में अभी गर्मियां आ गई हैं, तरबूज आ गए और खरबूजा, तो दो फ्रूट्स हम ले रहे हैं, ये दोनों फ्रूट्स हमने लेने हैं इसके अंदर, इसका पल्प हमने बना लिया। अच्छा, पल्प आपने इसको क्या किया, जूसर में डाल दिया, बस जूसर में डाल दिया, पानी वानी नहीं मिलाया, कुछ पानी नहीं मिलाने से कि हमें पल्प चाहिए थोड़ा। अच्छा, सा गाढ़ा चाहिए, ये पल्प लेके इसमें हम डालेंगे खुश्क दूध। अच्छा, खुश ड्राई जो हम चाय में डालते हैं, बिल्कुल ठीक है, और ये बड़ा जबरदस्त आपका शाइनर बन जाता है। और अगर वैसे भी सिर्फ ये तीन चीजें मिला के आप चेहरे पे लगाते हैं, खरबूजा भी मिलाना है, खरबूजा है, तरबूज है, इन दोनों का पल्प बनाया। अच्छा, दोनों का पल्प, मैं ये एक्सपेक्ट करती थी कि आप अभी डालेंगे, नहीं, ये इसमें तरबूज और खरबूजा दोनों मौजूद है, दोनों का हमने पल्प बनाया, इसमें ड्राई मिल्क खुश्क दूध डाला है इसका हमने। अच्छा, अब वो लोग जैसे ईशा की स्किन सेंसिटिव है, अपनी स्किन का बड़ा सही ख्याल, अच्छी है, बहुत प्यारी स्किन है, मगर ये ख्याल रखती है कि ऑलिव ऑयल से उतारती मेकअप। अब इस तरह के लोग डरते हैं कि अगर मैं सैलून चली जाऊंगी पता नहीं कैसा सैलून होगा, मैं रिस्क ले सकती हूँ नहीं ले सकती, तो ये वाली जो चीजें हैं इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, यानी कि आप कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा पानी होता है, पानी का कंटेंट इसमें ज्यादा होता है, वैसे भी अगर आप लगाते हैं तीन चीजें मिला के तो पूरे समर आपकी स्किन कभी टैन नहीं होती है। ठीक है, और इससे जिसे अभी हमने क्लेंजिंग की इसके बाद इसका मसाज करेंगे। अच्छा, इसका मसाज थोड़ा सा जिसे मसाज कर लेंगे इससे आपके स्किन में शाइनिंग आ जाएगी, स्किन मॉइस्ट हो जाएगी, फ्रेश हो जाएगी बहुत ज्यादा। ठीक है, और उसके बाद हम मास्क लगाएंगे, जैसे अब अरोहा के लगा हुआ है चारकोल मास्क। अच्छा, अब घर में कैसे बनाएंगे, घर में कैसे बनाए हुए चारकोल मास्क, ये एक्टिवेटेड चारकोल होता है इस तरह से। अच्छा, अब ये घर में नहीं बन सकता, हमें बता दी तो बाजार से ही मिलता है, ये घर में तो कोई भी नहीं बनाता है, इसको बाजार से मिल जाता है, इस तरह का कुछ होता है ये एक्टिवेटेड चारकोल ऐसा होता है। ठीक है, ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये तो मार्केट से मिल जाता है, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी पब्लिक लेने जाए, देखिए यहाँ पे जैसे भी आप जो आपका जो मेडिसिन मार्केट जो बनी है वहाँ पे बड़े आराम से मिल जाता है, केमिकल्स वगैरह होते हैं वहाँ पे मिल जाते हैं, लेकिन वो लोग जिनके पास मतलब एक्सेस नहीं है वो नहीं आ सकते। अच्छा, बहुत दूर रहते हैं, वो क्या करेंगे। हाँ, कोयला सबके पास मौजूद होता है, आलिया ने मना किया था लेकिन कोयले का एक तरीका बता दूं। हाँ, कोयला जो है जो जलावा भी होता है आपको फ्रेश कोयला मिलता है, उसको आप अर्के गुलाब में भिगोते हैं,
अच्छा, जब कोयले में को जला दिया है तब, या वो जब मिलता जब आया फ्रेश आया, जब फ्रेश आया बिल्कुल, उसकी राख नहीं बनानी, ऐश अच्छा। नहीं बनानी है, उस वक्त आके आप उसको अरके गुलाब में भिगो देंगे, तकरीबन दो दिन अरके गुलाब में भीगा रहेगा, और इतना भीगा होगा कि वो लाइक ऊपर तक इसके होना चाहिए। बिल्कुल 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 भिगो, और उसके बाद जो है आपने ये ले लेना, इससे करना मसाज। ये मसाज नहीं, इसमें दूध भी मिला हुआ है ना, उसको भिगो के आपने निकालना है, दो दिन बाद जब वो अच्छी तरह से सूख जाएगा फिर उसका पाउडर, दो दिन बाद में, हाँ दो दिन बाद, ठीक है, वो आप बना के रख सकते हैं। ये स्किन वाइटनिंग के लिए बड़ा जबरदस्त है, एक्ने कंट्रोल करने के लिए, जैसे जितनी भी चीजें बताई हैं। अच्छा, वो दो दिन बाद जब निकाला फिर उसे पाउडर फॉर्म में तब्दील कर, हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा रखेंगे वो पानी पाउडर फॉर्म में, कैसे तब्दील होगा वो तो हाथ से भी कूट जाता है, आप उसे अपने हवन दस्ते में कूट लें, ग्राइंडर में डाल लें, किसी भी तरह पीस लें, पीसने के बाद उसको छानेंगे, छानेंगे मलमल के कपड़े, मलमल के कपड़े से छानेंगे ताकि बिल्कुल फाइन पाउडर बन जाए, फिर उसके बाद हम दूसरी चीजें मिला के मास्क बनाएंगे। ठीक है, दूसरी चीजें हम क्या मिला रहे हैं वो भी मैं आपको बता दूं, इसलिए कि हम घर में बना रहे हैं, खाली कोयला हम नहीं लगाएंगे, ठीक है, उसमें हमने डाली है थोड़ी सी हल्दी, ठीक है ठीक है, और उसके बाद चुटकी भर जायफल, अच्छा जायफल, जायफल जिनके पास बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, याद है आपने एक दफा मेकअप बताया था कि जायफल को आप उसमें मिला लें, आपका जो है ना फेस पाउडर इससे बनता है, फाउंडेशन इससे बनती है, ब्लश इससे आप बना सकते हैं, कंटूर इससे, देखिए जरा जायफल निहारी में भी डलता है, और ये देखिए फेस के लिए अच्छा भी होता है, ये कितनी बड़ी बात है, ऐसा नहीं करेगा भाई, जायफल डली हुई है, चलो चलो मल लो, खा भी लो और मल भी लो। अच्छा, इसमें हमने जो है कोयला, चारकोल लिया है, नहीं तो आप कोयला जिस तरह से बताया वो उसका पाउडर बना के आप कोयला लेंगे 1 टीस्पून, उसमें हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून, जायफल 1 पिंच, ओके, और 1/2 टीस्पून दूध डालेंगे, इसमें भी दूध डालेंगे, इसमें भी दूध डालेंगे, अच्छा फ्रेश भी डाल सकते हैं, ड्राई भी, ठीक है। पेस्ट बनाने के लिए हमने, आप चाहें तो दूध से, लेकिन मैंने इस वक्त एलोवेरा जेल लिया है, वो एलोवेरा जेल जो है बहुत ही जबरदस्त आपको मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देगा, हाइड्रेट करेगा स्किन को, ये मास्क बन गया है। अच्छा, ये सब चीजें ताजा ताजा मिलानी है, बिल्कुल, ये बना के आप रख, देखिए बना के रखेंगे तो उसकी जो एक इंस्टेंट रिजल्ट आता है वो नहीं आएगा, वो उसकी जाहिर सी बात है हर चीज खत्म हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, उसका मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है। मसाज इतनी देर करना या कितनी देर? ईशा के फेस पे तो इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर स्किन बहुत ज्यादा रफ हो, बहुत डैमेज हो, तो आप 5 to 6 मिनट्स कर सकते हैं स्लाइटली सा मसाज, या लगा के छोड़ दें और 6-7 मिनट के बाद साफ करके। टिश्यू पेपर चाहिए? मुझे बता दो, मैं दे दूँ। क्या चाहिए? हाँ अच्छा, वो वाला, हाँ वो बोल है उसमें, यहाँ रख लो, ठीक है ठीक है। तो आप सिर्फ लगा के 5 मिनट के बाद सिर्फ उसको साफ करें और फिर मास्क लगा लें अगर ये स्किन की बात तो हो ही रही है कि स्किन ग्लो कैसे करे, शाइन कैसे करे, हाँ, और एकदम दाने शाने गायब हो जाए, कोई ऐसी चीज़ खाने की भी बता देना कि खाने से भी फिर जल्दी जल्दी असर हो, क्योंकि वो तो कहते हैं ना इंस्टेंट 40 मिनट में फ़र्क आ जाता है, अब अगर इस घरेलू ट्रीटमेंट में ज़्यादा फर्क लाना है तो खाने का बता दें। देखिए फ्रूट क्या, तरबूज और खरबूजा खाएं, बहुत अच्छा है, खाना चाहिए, और जो लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि खा नहीं सकते या टाइम नहीं मिलता या अफोर्ड नहीं कर सकते, घर का जो पानी है पीने वाला, आपके शोज में कई दफ़ा बताया, उसमें गुलाब की ताज़ा पत्तियाँ डाल के रख लें, अच्छा थोड़ी सी सौंफ डाल लें, ठीक है, और ज़रा सा उसमें ज़ीरा डाल लें, अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं डालना, जैसे आपको पूरा एक जग है पिक्चर, इसमें आपने एक देसी गुलाब की पत्तियाँ डाली, आधा चमचा सौंफ डाला और चुटकी भर ज़ीरा डाला, अच्छा। ये पानी आप पूरा दिन पीते रहें, फिर आप देखेंगे आपकी डिटॉक्सिफिकेशन भी हो जाएगी, स्किन बहुत फ्रेश हो जाएगी, आप खुद अपने आप को बहुत एनर्जेटिक और फ्रेश फील करेंगे, हल्का फुल्का महसूस करेंगे। जैसे अक्सर हम जैसे बच्चे या बड़ी लड़कियां स्कूल कॉलेजेस से आ रही होती है, एकदम उनका रंग झुलसने लगा है, काला हो रहा है, डिहाइड्रेशन उनको बहुत हो जाती है, पसीना आके स्किन बिल्कुल झुलस रही है। जैसे ही वो घर आए उनको क्या पिलाएं? घर आते सबसे पहले तो लस्सी पिलानी चाहिए। अच्छा लस्सी लस्सी बहुत अच्छी है, तरबूज, क्योंकि आजकल सीजन में तरबूज, अदरक का छोटा सा पीस, अदरक बेस्ट, लेमन, इसको डाल के आप ब्लेंड कर लें और वो पी लें, अदरक जो है बहुत अच्छा डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है, बेस्ट है। वैसे भी आप पानी में अपना अदरक डाल के रखें जैसे, और वो पीते रहें तो आपको पेट के बहुत सारे मसाइल नहीं होंगे और आपकी बॉडी डिटॉक्स होती रहेगी। ये भी बताना चाहिए कि आप खाने से भी आपके स्किन पे फर्क बहुत नुमाया बहुत पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, डिपेंड कर, अगर आप शुगर्स अपनी बॉडी में अपनी
डाइट में निकाल दें तो आपकी एक्नी, आपकी कॉन्स्टिपेशन वो भी काफी हद तक खत्म हो जाता है। बिल्कुल, एकदम केक और मीठा बेकरी आइटम्स बिल्कुल खा रहे होते हैं, इससे दाने वाने भी ज्यादा निकलते हैं। बिल्कुल, अच्छा जिस तरह शहजादी लगा रही है बिल्कुल इसी तरह लगाने हैं हमने जैसे घर में, ये बिल्कुल आपको मतलब घरेलू अंदाज बता रही है। अच्छा, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप इस तरह फिंगर से लगा सकते हैं, अगर ब्रश है तो आप ब्रश से लगा लें, नहीं तो ये नहीं सोचे ब्रश लाना पड़ेगा फिर मास्क लगेगा, आपके पास हाथ है आपने उसी से लगा। कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि ये फेस पर स्टे करे। बिल्कुल ठीक है, चलिए जी यहाँ तक हमारा ये मास्क तक पहुँच गया। बिल्कुल कहानी। अच्छा अब हम जा रहे हैं सैलून ट्रीटमेंट की तरफ और हम अब देख रहे हैं कि अच्छा मास्क लगा, इसको उतारने का तरीका क्या है? चारकोल मास्क जो है वो दो तीन किस्म के आते हैं, ये वाला जो था ये तो वाइप ऑफ वाला था और कई ऐसे कौन सा वाला था? वाइप ऑफ वाला। अच्छा अच्छा, और दूसरे आते हैं जो बिल्कुल रोल ओवर हो जाते हैं। अच्छा, रोल होके पूरी शीट उतर जाती है। बट इसमें जो है ये जो वाइप ऑफ वाला है इसमें ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है क्योंकि वो सारी आपकी साथ साथ डेड स्किन भी साथ खराब हो जाती है साथ। ठीक है, ये अब सारा अच्छी तरह से जब हम उतार देंगे फिर उसके बाद ये एक हमारे पास डिटॉक्सिफाइंग एम्प्यूल है। अच्छा, जो कि विटामिन सी का है। ओ, और अच्छा। प्योर विटामिन सी, इसमें होता ये है कि जब हवा में आपकी जो ऑक्सीजन है और ये जब मिलता है तो ये 80% प्योर ऑक्सीजन बन जाती है। अच्छा, तो ये एम्प्यूल इसमें अच्छा, हम डाल देंगे, डाल रही है मशीन, पूरा मशीन में डाल। अब देखिए ये मशीन तो आपके घर में नहीं होगी, ये तो आपको आलिया के पास ही जाना पड़ेगा और हर सैलून में भी ये मशीन नहीं होती। आलिया बड़ी जबरदस्त चीजें पता नहीं कहाँ कहाँ से लेकर आती है और बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं अपने सैलून में। ये क्योंकि मेरी गारंटी इसलिए कि मैं खुद जब इनके पास जाती हूँ तो मैंने खुद देखा है कि मेरे चेहरे पे बिल्कुल एकदम फर्क आ जाता है। ये ठीक है, अच्छा आपने वो एम्प्यूल आपने डाला इस मशीन के अंदर। हाँ, अब ये देखो इसमें से हवा निकल रही है। हाँ अच्छा, इसको एकदम और अच्छा सा पहुँचते हैं। अच्छा अब जो ये हवा निकल रही है ये हवा आप इसमें डालें, ये हवा जब मैं इसको दबाऊंगी तो इसके अंदर जो एम्प्यूल है वो फिर मतलब बलून में हमने हवा नहीं भरनी, जो हवा इसके अंदर डालेंगे अंदर नहीं डालने को कह रही, ऊपर डाल देंगे। अब देखो इसके अंदर हवा निकल रही है। ठीक है, अब इसमें जो हवा आपकी एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमें जरूरी होती है सांस लेने के लिए, यही ऑक्सीजन जो है जब मैं इसको दबाऊंगी तो जिसके अंदर हमने एंटीऑक्सीडेंट एम्प्यूल डाला है वो एक स्प्रे फॉर्म में बन जाएगा, पानी बन जाएगा। दिखाएं जरा करके, कैमरा लेके जाओ, गरीब के छींटे पड़ेंगे इसको, तुम्हें छींटे पड़ेंगे, हवा नहीं पड़ेगी। चाहिए मैं करीब से देखूंगी, अरे छींटे छींटे मजेदार, वैसे ही कोई गर्मी में छींटे मारा हो वैसे ही रिफ्रेश हो जाता है। इतनी गर्मी में लोग छींटे बहुत मजे के लगते हैं। अरे भाई मजेदार चीज है ये। अच्छा तो जहाँ पे लग रहा है गुब्बारा फुस हो रहा है, जहाँ पे गुब्बारा फुस हो रहा है, जहाँ पे स्पॉट्स हैं, जहाँ पे अनइवन टोन है, ये हम इसको करीब करेंगे ताकि वो डीप पेनिट्रेट करे अंदर। अच्छा ओ इतनी जबरदस्त ये चीज है भाई, मतलब कि अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारा ये वाला पोर्शन जो है वो काला होता है, ये माथा काला होता है, ये चीक्स थोड़े से साफ होते हैं, ना अजीब सी आपकी स्किन टोन हुई होती है अगर आपने बेस नहीं लगाई होती तो। जब ये इस तरह की स्किन आप रखते हैं तो फिर आपको बेस लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है ना। तो ईशा की तो वैसे माशाल्लाह ऐसी स्किन है कि तुम्हें बेस लगाने की जरूरत ही नहीं, बेस ना भी लगाओ तो भी चले। हाँ ख्याल वही ना, सर्कल्स हो जाते हैं नींद की कमी की वजह से, बस कंसीलर लगा ले बंदा तो है ना, डार्क सर्कल्स कंसील करते हैं। और अरवा की भी स्किन अच्छी है, हल्के से जो स्पॉट है वो तो अगर ये दो तीन ट्रीटमेंट्स इसकी लेंगी ना तो आप यकीन करें। अच्छा, आप गर्दन पे भी कर रही हैं? बिल्कुल गर्दन पे करनी, क्योंकि गर्दन पे लाइंस पड़ जाती है अक्सर। और किस किस के गर्दन पे लाइंस है यहाँ पे ऑडियंस में बैठी लड़कियां, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ, मैं तो बेस से छुपाती हूँ मेरी लाइंस है, जल्दी जल्दी बताओ। अल्लाह सबने कोई हाथ नहीं उठा रहा, किसी के लाइंस नहीं है। वाह यार तुम लोग तो भाई करीना कपूर की स्किन लेके पैदा हुई हो, कोई नहीं रिश्ते नहीं होंगे इसलिए बता नहीं रही है। हाँ मुझे पता है इन तुम लोगों की चलाकियाँ। ठीक है, ये कितनी देर तक ये ट्रीटमेंट आप करती हैं फिर, जैसे ये वाला ये जो
स्प्रे कितनी सिटिंग्स या कितनी देर का ट्रीटमेंट? कितनी देर ये वाला? ये ट्रीटमेंट पूरा जो है ये 45 मिनट्स का है, बट ये जो है जाहिर हम उतना ही करेंगे जितनी इसके अंदर वो हमने एम्प्यूल डाला था, तो इट हार्डली टेक्स 30-40 सेकंड्स कि पूरा एम्प्यूल पूरे मुंह पे स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, अब हमने ये पूरा स्प्रेड कर दिया। अब इसके बाद वो किट देना है, इसके बाद इसकी एक स्पेशल जेल है जो हम इसके मुंह पे लगा के तो पूरी इसको अंदर मसाज करेंगे। अच्छा, बहुत लाइट मूवमेंट्स में हम मसाज करेंगे। अच्छा, इसकी पूरी की पूरी किट आती है? पूरी किट आती है, बिल्कुल। और वो किट जो है वो आप अप्लाई करती हैं? ये एक किट एक फेशियल पूरा होता है। ओ, अच्छा अच्छा अच्छा। ये इसकी जेल है, ये इसकी जेल मसाज है जो डिटॉक्स करेगी। ये जितना हमने इसको लगाया है ये अंदर अच्छी तरह से पेनिट्रेट होगा, मतलब इसको अंदर अच्छी जज्ब हो जाएगा, हाँ। इसको हम वॉश ऑफ नहीं करेंगे। अच्छा। क्योंकि एक तो हमने ऑक्सीजन प्रेशर के साथ इसको अंदर जज्ब कर दिया। अच्छा। अब इसी जेल के साथ हम इसको अंदर मजीद जज्ब करेंगे। अब मुंह नहीं धुलेगा इनका। अच्छा, अब मुंह नहीं धुलेगा और लगेंगी, बस सिर्फ लगती जाएंगी। और इसके बाद अगर इसको ये 24 आवर्स ऐसे ही रहने देंगी तो अच्छी तरह से जज्ब हो के तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बेटर शूटिंग कैंसिल करा दूँ। तो ये कितने, मतलब ये जो फेशियल आप बता रही हैं तो ये कितनी बार लें तो फर्क पड़े? आपको एटलीस्ट 3-4 सिटिंग्स लेनी और है। कितने कितने दिनों बाद? कितने दिनों के बाद इसकी स्किन, मतलब इस टाइप की स्किन के लिए तो मैं कहा मैं आप 2 सिटिंग्स लेंगी। अच्छा। एक आज जिस तरह फर्ज करो ले ली, अब एक तुम ले लोगी 10 दिन के बाद। अच्छा। उसके बाद फिर मेंटेनेंस प्रोग्राम आ जाता है। अच्छा। देखिए हर चीज को मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है ना? फिर आप, हाँ, फिर आप इसको मंथली लेते रहे, 6-6 वीक्स के बाद लेते रहे। बट सबसे जरूरी ये है कि आप घर में प्रोडक्ट्स अच्छे यूज करें तो ताकि आपके रिजल्ट्स मेंटेन रहे जो आपने लिया है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर उमराइल, अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं? जैसे इनका मास्क हमने उतारा है, ठीक है, ईशा को तो जरूरत नहीं। जैसे अभी बताया कि अगर स्पॉट्स अगर हैं, धब्बे हैं, उसके लिए हम क्या करें? ईशा के तो फेस पे हम नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर इस तरह की स्किन अगर कोई हो तो उसके लिए भी हम घर में एक बड़ी ज़बरदस्ती चीज़ बना सकते हैं। उसमें हमने अगेन लस्सी ली है, नमकीन लस्सी, ठीक है, और मूली के पत्तों का रस लेंगे। मूली के पत्तों का, मूली के पत्ते पड़े हैं क्या कहीं? ये मैंने रस बना रही थी कि बहुत इसका वो लगता है, टाइम लगता है इसका। बिल्कुल, आप कैसे बनाते हैं इसका रस? देखिए अगर वही आपने ब्लेंडर में डाला है अच्छी तरह से, या कूट लिया है, ब्लेंडर भी नहीं तो कूट के उसको कपड़े में डाल के निचोड़ लेंगे तो रस, एक चमचा ही तो रस चाहिए बस। ठीक है। अच्छा, मूली के पत्तों का रस लेके इसमें हम डालेंगे बादाम की खली। खली? बादाम की खली क्या? बादाम की खली, खली उसको कहते हैं जिसका भी तेल निकालते हैं, जो उसका भूसा आखिर में जो बचा हुआ होता है। ये देखिए बिल्कुल बादाम का तेल निकल गया और ये जो बचा हुआ जिसको हम फेंक देते हैं कचरा। अच्छा। समाज के ये जो है ना स्पॉट्स खत्म करने के लिए सरसों की खली हो या बादाम की खली हो या नारियल का जो होता है वो बहुत इफेक्टिव होता है। अच्छा, आपने लिया है मूली के पत्तों का रस, आपने लिया है लस्सी और आपने लिया है बादाम की खली। बादाम, ये उन लोगों के लिए जिनके चेहरे पे दाग धब्बे और दाने की है या खाली दाग धब्बे? नहीं, दाग धब्बे, पिगमेंटेशन या स्किन बहुत लूज हो रही है। और इसमें एक चीज हम और ऐड करेंगे, इसका इंस्टेंट रिजल्ट आता है, ये चावल का आटा। चावल का आटा, फिर चार चीजें हैं, चावल का आटा, बादाम की खली, मूली के पत्तों का रस और लस्सी। ये चार चीजें मिलाकर आपके दाग धब्बे, पिगमेंटेशन ये सब दूर होगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपसे करीब होंगे। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आलिया फारूक हमारे साथ हैं अपने सैलून, जबरदस्त सैलून ट्रीटमेंट्स के साथ, और डॉक्टर उमराइल घरेलू ट्रीटमेंट्स के साथ हमारे पास मौजूद है। स्किन को चमकाने की, आप पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक चमक जाएं, ये तरीक़ेकार हम आपको बता रहे हैं। साथ हमारे साथ ईशा नूर हैं और रोहा हैं, ये दोनों आज आ जाओ ना, ये दोनों आज हमारे साथ मौजूद हैं एज वो कहते हैं ना एक्सपेरिमेंटल माउस। तो इनके ऊपर हम आपको बता रहे हैं कि देखें ये इतनी बिजी होती हैं मगर इनको अपना ख्याल रखना पड़ता है, तो इनकी स्किन इतनी ख़राब नहीं है। मगर आप लोग भी बिजी होती हैं घर के कामों में, आपकी स्किन को ज़रूरत है कि आप उसका ख्याल रखें जी। अब हम कर रहे हैं बालों के हवाले से, आप देख सकते हैं कि ईशा की स्किन भी चमक रही है और रोहा की स्किन भी चमक रही है माशाल्लाह। तो अब हम आते हैं बालों की तरफ, बालों के लिए क्या कहें? अच्छा, बालों के लिए हम स्कैल्प पे काम करेंगे सिर्फ, क्योंकि अच्छा। अगर आपकी स्कैल्प की हेल्थ अच्छी है, स्कैल्प की कंडीशन अच्छी है, तो आपके बाल ऑटोमेटिकली अच्छे होना शुरू हो जाते अच्छा। हैं। जिस तरह हम स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं इसी तरह हम स्कैल्प की स्किन को भी एक्सफोलिएट करते हैं। हमारा जो काम है बालों का वो स्किन से रिलेटेड, वो स्किन से रिलेटेड है, क्योंकि बालों के अंदर जो है वो भी स्किन ही है जिसको हम स्कैल्प कहते हैं। बहुत सारे सैलून वाले जो है वो यहाँ यहाँ लगे हुए होते हैं,
और आप जब तक स्कैल्प को सही नहीं करेंगे आपके बाल भी सही ग्रो नहीं करेंगे। देखिए सारी स्कैल्प कंडीशंस ही आपको प्रॉब्लम देती हैं, ऑयली स्कैल्प, आपको खुश्की, आपकी ऑयल, अगर आपकी स्कैल्प बहुत ऑयली होगी तो आपकी जो डैंड्रफ होगी वो बड़े स्केल्स वाली होगी। अगर आपकी ड्राई स्कैल्प होगी, बहुत सेंसिटिव स्कैल्प होगी, तो आपकी डैंड्रफ बहुत बारीक पाउडर नुमा होगी। तो ये सारी कंडीशंस बताती हैं। मेरे सर में ना जख्म हो गए, मुझे ड्राइनेस होती है, मुझे मैं खारिश करती हूं। खुजल के बिल्कुल, जब आप खुजलते हैं तो आपकी सेंसिटिविटी हो जाती है। अच्छा, मेरी भी सेंसिटिव स्किन ना, स्कैल्प जो है मेरी, स्किन तो फेस की बहुत अच्छी है लेकिन बाल मेरे प्रॉब्लम करते हैं बहुत ज्यादा। क्या हेयर फॉल होता है? क्या हेयर फॉल? इसके अलावा सेंसिटिव स्कैल्प मेरी। अच्छा, मैं फोटो शूट्स वगैरह ज्यादा करती हूँ, उसमें जो टीजिंग होती है ना, बैककॉमिंग जो करते हैं, तो उससे मेरी स्कैल्प बहुत सेंसिटिव हो गई है। तुम क्या करती हो? तुम ट्रीटमेंट लेती हूँ? कौन कौन से ट्रीटमेंट लेती हूँ? ये रेड फ्रिक्वेंसी वाले हैं और प्रोटीन होता है वो, क्योंकि बाल बहुत ज्यादा डैमेज हो रहे होते हैं। तो क्या तुम जैसे शैम्पू करती तो बाल गिरने लगते हैं? क्या होता है? स्प्लिटेंस हो जाते हैं? हाँ, शैम्पू के बाद बाल बहुत गिरते हैं। अच्छा, शैम्पू करते हुए और बाल? अच्छा, बाल गिरने में भी दो किस्म की होती है, एक तो बाल जड़ से निकलता है और अगर आपके बाल ड्राई और डैमेज्ड हैं, डिहाइड्रेटेड हैं, फिर आपका बाल यहाँ से टूटता है। तो आपको ये देखना है, इसीलिए हम पहले हम बालों को डायग्नोज करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, अगर तो ये यहाँ से टूट रहा है तो उसका मतलब है कि आपके बाल बहुत ड्राई, डैमेज और ब्रिटल बाल है। अगर आपका जड़ से टूट रहा है, इसका मतलब आपके जो फॉलिकल्स हैं वो स्ट्रांग इनफ नहीं है कि आपके बालों को वो होल्ड कर सके। तो इसके लिए लॉरियल का हमें एक, मुझे आपसे बात ही पूछती है, हमें डरना कब शुरू करना चाहिए? जैसे अगर हम ब्रश करते हैं तो ब्रश में थोड़े बाद बहुत तो बाल गिरेंगे। 50 से 50 से 100 बाल जो है आपका नॉर्मल है कि रोज गिरना चाहिए। ठीक है, गिरेगा तो नया उगेगा। हमें ब्रश कितनी दफा करना चाहिए दिन में? ब्रश देखें, बेसिकली हम करते हैं अपनी स्कैल्प को मसाज करने के लिए, सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए। जितनी आपकी सर्कुलेशन तेज होगी उतनी आपकी हेयर फॉल कम होगी। ठीक है, अब आप उसको किस ब्रश से कर रहे हैं? बेसिकली आपको ब्रश से करना है, या ये जो एफ्रोकोम होती है, दांतों वाली एफ्रोकोम होती है बड़े दांतों वाली, इससे करें ताकि अगर आपके बाल ड्राई और डैमेज्ड भी हैं तो ये इसके साथ साथ गिरते हुए टूटते हुए ना चले जाएं। ये एटलीस्ट उसको कंघी करके देखिए, कॉन्सेप्ट जो ब्रश करने का है वो आपकी स्कैल्प यानी आपकी खोपड़ी के लिए। बिल्कुल, आप ज्यादा ब्रश अगर नीचे से करेंगे तो वो आपके बाल ज्यादा ही गिर जाएंगे, ज्यादा गिरना शुरू होंगे। तो आपने यहाँ से शुरू करना है ताकि अगर आपके ड्राई बाल हैं भी तो यहाँ पे जो नेचुरल ऑयल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपके लेंथ और एंड्स पे आते जाएं और आपके बालों में एक हल्की सी शाइन भी आ जाए और ये हाइड्रेट भी हो जाए। ठीक है, आज जो हम ट्रीटमेंट करेंगे वो केरास्टास का ट्रीटमेंट है। अच्छा, हाई एंड ट्रीटमेंट है ये, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट इसकी गारंटी है कि अगर आपकी हेयर फॉल हो रही है या आपके एलोपेशिया के पैचेस पड़े हुए हैं या आपके फॉलिकल्स का मुंह बहुत छोटा हो गया है और बाल गिरना शुरू हो गए और नए नहीं उग रहे, तो ये गारंटी देते हैं कि 3 महीने में 1700 बाल आपका नया रुआन निकलेगा। ओह अच्छा, और इसकी पूरा एक रिचुअल होता है जो आपको घर में भी लगाना होता है। ये एम्प्यूल्स होते हैं, हर किस्म के डिफरेंट एम्प्यूल्स हैं। ये एम्प्यूल्स जो हैं ये स्पेसिफिक है, ये डेंसिफिक है। स्पेसिफिक जो है ये आपके जब हेयर फॉल होनी शुरू हो जाती है तो ये हम क्लाइंट को देते हैं। क्लाइंट ने रोज़ाना अपने पूरे स्कैल्प पे सिर्फ लगाना है। डिपेंड करता है कि आपका, अगर पूरे बाल आप समझ रहे हैं कि थिनिंग हो रही है पूरे बालों पे लगा सकते हैं, अगर कहीं कहीं आप समझ रहे हैं लगा रहे हैं तो वहाँ पर लगा सकते हैं, या आप 2 से 3 दिन भी चला सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एरिया कि आपको लगाना कितने। और एक एम्प्यूल बिल्कुल महंगा नहीं पड़ता, एक एम्प्यूल तकरीबन 350-400 का एक एम्प्यूल है। अच्छा, और आप उसको 2 दिन 3 दिन चला सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये लीव इन है। अच्छा, इसमें ऑयल छोड़ के चले गए, ये ऑयल बेस्ड नहीं है, वाटर बेस्ड है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो आजकल हम प्याज का पानी और ये पानी लगाते हैं अपने बालों के लिए, इसमें बना बनाया प्याज का पानी है जिसको हम आर्जिनिन कहते हैं। आर्जिनिन जो है वो बेसिक प्रोडक्ट है आपकी स्किन में जो कि हेयर ग्रोथ करता है। प्याज का पानी, प्याज का पानी, ठीक है। पहले प्रोडक्ट्स आते थे क्योंकि अब जाहिर है लॉरियल वालों ने अपनी ही लैब में केमिस्ट और ये सारे अपने डॉक्टर्स बिठाए हुए हैं जो कि अपने ट्रीटमेंट्स करते जाते हैं। पहले होता था कि हम रिडॉक्सल के नाम से एक ट्रीटमेंट आता था, सर पे लगाते थे, रोगेन के नाम से आता था, सर पे लगाते थे, जब तक लगाते चले जाते थे बाल आपके घने लंबे होते थे। बट जो ही आप वो प्रोडक्ट छोड़ते थे आपके बाल फिर वैसे के हो जाते। लेकिन अब जो है स्टेम सेल थेरेपी आ गई है जो कि फॉर एवर रिजल्ट देता है आपको। अच्छा, और वापस नहीं लगाना आता। छोड़ भी दें तो भी दें तो आपके बाल नहीं। अच्छा, इसके तरीका क्या होता है लगाने का? और एक ये है जो कि आपके बालों को घना करता है। अच्छा,
ये बालों के रूट्स तक जाके इसको मजबूत करता है रूट को, और बाल वहां से ही मोटा निकलना शुरू होता है, जो कि आपके बालों के जो डेंस कर देता है, बालों को घना कर देता है। इसका तरीका लगाने का ये होता है, इसके आगे एक नोजल होता है। अच्छा। नोजल लेके आप बालों में बस इस तरह करके हम लगाते चले जाते हैं, ठीक है। जब हम लगाएंगे फिर एक खास प्रेशर पॉइंट मसाज होती है, प्रेशर पॉइंट मसाज करके दिखाती जाए। हम कभी करते हैं प्रेशर पॉइंट मसाज जो है, पहले तो हम इस तरह कैसे करते हैं प्रेशर पॉइंट मसाज करके दिखाओ। ये बेसिकली प्रेशर पॉइंट मसाज है, ठीक है। बट इस प्रेशर पॉइंट को हम एनर्जाइज कर देते हैं माइक्रो करंट के साथ, जो कि एक्स्ट्रा आपको रिजल्ट देता है डीप पेनेट्रेट होके स्किन में। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, आप जितना इसको बर्दाश्त कर सकते हैं, आपकी जहाँ पे भी करो। ये हल्के हल्के माइक्रो करंट्स हैं, जो छोटे छोटे बहुत माइक्रो करंट्स आपको फील होते हैं कि आपके सर में जो है वो जा रहा है, माइल्ड करंट हो रही है ना। तुम्हें क्या फील हो रहा है अभी? जब ये हल्की सी वो होती है ना, चुबन चुबन सी, हाँ चुबन चुबन सी हल्की सी होती है, लेकिन वो अच्छी चुबन है, वो कोई वो वाली नहीं है कि बिल्कुल शॉक लग रहा है। अच्छा, और रिलैक्स हो रहा है। अच्छा अच्छा, और ये एम्प्यूल लगाने के बाद, ये एम्प्यूल लगाने के बाद हम ये करते हैं आपकी प्रेशर पॉइंट मसाज करते हैं, हम इसको एनर्जाइज करते हैं इसके साथ। जब वो अच्छी तरह से पूरा स्कैल्प एनर्जाइज हो जाता है, एनर्जाइज का मतलब है कि ताकत मिल जाती है आपके फॉलिकल्स को, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, सर्कुलेशन तेज़ हो जाती है, फिर हम इसको हाई फ्रिक्वेंसी के साथ ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, ये हाई फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी को हम ऑन करते हैं, और ये भी हम पूरे स्कैल्प में, हमने बालों पे इसको लेके नहीं आना, सिर्फ स्कैल्प यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा है हमने इसको कोम डाउन करना है, ताकि पूरी मतलब स्कैल्प को यहाँ नहीं लेके आना, नहीं लेके आना मतलब बालों में हमने नहीं घुमाना इसको। अच्छा। इस स्कैल्प से लेके आपका जो जहाँ पे स्कैल्प खत्म हो रही है, सर जहाँ खत्म हो रहा है, बिल्कुल सर पे रखना है। तो ये एम्प्यूल बेसिकली डीपली पेनेट्रेट हो जाता है उसके साथ, और फिर आपको रिजल्ट मिलना शुरू होता है। ये दोनों, पहले आपने घने बालों वाला लगाया, फिर उसके बाद जो भी आपको प्रॉब्लम है, हमने प्रॉब्लम को देखना है, जो भी ये चाह रही हैं, अगर इनकी हेयर फॉल ज्यादा है, एलोपेशिया है, या इनकी मांग, कई लोगों की मांग भी चौड़ी होनी शुरू हो जाती है, बहुत सारी खवातीन की मांग खुलना शुरू हो जाती है, फिर कई लोग वाली स्पेसिफिक है उसके लिए। अच्छा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ये जगह जो है ये कम होनी शुरू हो जाती है, तो आप वो एम्प्यूल बस यहाँ लगाएंगे, एनर्जाइज करेंगे। अगर आपके पास ज़ाहिर है मशीन्स घर पे नहीं है, खाली उंगली से आप हल्का सा उसको मसाज करेंगे अच्छी तरह से, ताकि वो अंदर पेनेट्रेट हो जाए, और फिर उसको आप ओवरनाइट रहने देंगे, 24 घंटे रहने देंगे। अगले दिन अगर आपने नहाना धोना नहीं है, सर नहीं भी धोना, तो आप फिर भी वो एम्प्यूल यूज़ करेंगे, ताकि उसको खुराक 3 महीने तक मिलती रहे अपनी, और वहाँ पर डेली लगाना है, डेली लगाना है। ओके, ठीक है जी, मैं आ गई। अब ये तो हो गई सैलून की कहानी, ठीक है, अब आ गए हम घर पर। अब घर पे 350 रुपये का एक एम्प्यूल है, और जो हमें 3.5 महीने तक लगाना है, हिसाब लगा ले बहन कितना पड़ जाएगा। उतना पैसे नहीं है, मियाँ ने नहीं दिए हैं, तो कम पैसों में आप किचन में से क्या कर सकते हैं, ये डॉक्टर उमेरा ही। उसके अलावा जहर सी बात है, पैसे भी अगर कर लेंगे तो हाई फ्रिक्वेंसी जो कॉम्ब है वो सब लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। हाँ। अच्छा, बालों के लिए अगर हेयर फॉल हो रहा है या चौड़ी मांग की बात की, उसके लिए बड़ी आसान सी एक चीज़ बनती है, और एक हफ्ते में जो चौड़ी मांग है वो ठीक हो जाती है। हाँ, यानी कि एक जो फटी फटी मांग होती है, मांग फट रही है, तो एक हफ्ते में आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वो बालों की एकदम से ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, हेयर फॉल फ़ौरन आपका स्टॉप हो जाता है। इसमें हमने कड़वे बादाम का तेल लिया है, थोड़ा सा मैं बना रही हूँ, तकरीबन 1 टेबल स्पून हमने कड़वे बादाम का तेल लिया है, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे विटामिन ई ऑयल, ठीक है, ये आराम से मिल जाता है। एक चीज़ जो मैं इसमें ख़ास मैं डालना चाहूँगी, जो मैं आपको बताई थी, ये है स्नेक ऑयल, नागिन जैसी जी, ये बहुत, ये भी तकरीबन 1 टेबल स्पून डालेंगे। अच्छा, इसे के खाली ये सांप का तेल कहाँ से मिलेगा? हाँ, ये तैयार मिलता है, किसी शो में मैं आपको जरूर बनाना बताऊंगी। हाँ। ये मेरा है कि इसका मैं, आप सांप ले ला के बनाएंगी जी? अल्लाह मियाँ, अच्छा, सांप का तेल बनता है, सांप का तेल आपने डाला है इसके अंदर, आपने इसके अंदर डाला है विटामिन ई ऑयल, कड़वे बादाम, और कड़वे, तीनों एक एक टीस्पून, 1 टेबल स्पून ये दोनों डालना है, और 1 टीस्पून विटामिन ई ऑयल डाला है। सही है, ये दोनों 1 टेबल स्पून है, यानी बादाम और स्नेक ऑयल, सांप का, और विटामिन ई ऑयल 1 टीस्पून, एक चाय का चम्मच। अच्छा, ये सिर्फ आपने स्कैल्प में लगाना है, और खाली अगर सिर्फ आपको स्नेक ऑयल है, सिर्फ आप ये लगाते, तो ये मैं आपको श्योरिटी देती हूँ, एक हफ्ते में आप देखेंगे कि मांग जो फटी हुई है बिल्कुल सही हो जाती है। बिल्कुल, जैसे कम, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है बालों का? मेरा यही है, ब्लो ड्राई रोज ये सारे बाल खत्म हो गए, कम हो रहे हैं, तो बाल एक हफ्ते में बकायदा स्टार्ट हो जाते हैं। गंगा कर रही हूं तो ये हाथों में आ रहे होते हैं बैठे बैठे।
बाकी हाँ हाँ जब आप ये लगाते हो ऑयल लगाते हैं आप जैसे अभी आपने वॉश किया आपको अंदाजा इतने सारे बाल गिरे आपने देखे आप एक हफ्ते का तरीका क्या है हाँ बिल्कुल और एक हफ्ते के बाद देखोगी वो गिनोगी तो 8-10 गिरे आज सिर्फ इतना इसमें डिफरेंस आ जाता है वाकई अच्छा ऑयल लगाने का तरीका क्या है बस वही आपने पार्टिंग की है और सिर्फ जड़ों में लगाएंगे रूट्स में लगाना है स्कैल्प में लगा के और बिल्कुल फिंगर टिप्स के साथ जो उसका हल्का हल्का मसाज होगा बहुत बालों को नोचना नहीं है अच्छा बहुत ज़्यादा उनको खींचना नहीं बिल्कुल ताकि थोड़ी सी हल्की सी हीट महसूस होनी चाहिए जब भी आप ऑयल लगा रहे हैं आपको फिंगर एनर्जी भी आपको जा रही होती है और आपको यहाँ पर जैसे लगा रहे हैं उसको फील होना चाहिए यहाँ पर गर्माइश अच्छा और कितनी देर बाद ये वॉश इस्तेमाल बहुत ज्यादा करती हूँ तुम प्याज का इस्तेमाल प्याज क्या कर छीलने के बाद प्याज को इधर रब करती हूँ अच्छा तो जो मेरे थोड़े बहुत बाल हैं वो निकल गए हैं मतलब यहाँ से बहुत गंजी हो गई थी तो बड़ा अच्छा आइडिया हाँ तो ये कि जब छुट्टी होती तो मैं करती हूँ ये बहुत अच्छा आइडिया बजाय इसके प्याज का रस निकालो प्याज लेकर रब करके आप नहाने जा रहे हैं तो 10 मिनट पहले 20 मिनट पहले उसको रब कर लें और फिर आप जाके वॉश कर लें बड़ा अच्छा आइडिया है तो मेरे बाल में पूरी गंजी हो गए बाल निकल रहे हैं बाल तो फर्क पड़ा है तुम्हें प्याज के बाद प्याज का पानी बहुत अच्छा है ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है अच्छा और पूरे सर में भी कर सकते हैं देखिए वो सिर्फ रूट्स पे लगाना चाहिए उसको लगा के अगर आप धूप में जाते तो वो रंग भी फेड कर देगा अच्छा मतलब ये तमाम चीजें आपको नहाने से 10-15 मिनट पहले सबसे बेस्ट जैसे मेरे जख्म हो गए मैंने खारिश करके दाने और जख्म कर लिए हैं तो क्या उस पर मैं प्याज का पानी लगाऊं बहुत तकलीफ होगी उसमें आपने या तो ऑयल लगाना या टी ट्री ऑयल लगाएं ताकि वो जख्म जो है वो हील हो जाएंगे ठीक हो जाएंगे टी ट्री ऑयल मिल जाता है विटामिन ई के साथ मिलाएं अगर टी ट्री ऑयल जब मैं मुंह पे लगाती हूँ और दाने हो तो फिर मुझे तकलीफ होती है नहीं तकलीफ अगर आप प्योर ऑयल लगाए थोड़ी सी इचिंग आपको होगी इसी के दाना है टी ट्री ऑयल आप लगा रही हैं अगर आपके बहुत जख्म बन गया है तो उसमें आपने थोड़ा सा विटामिन ई ऑयल मिलाना है आपके स्कैल्प में हो गया या फेस पे जो भी दाना हो रही है या जख्म है टी ट्री ऑयल फौरी तौर पर जख्म को ठीक करता है ठीक है और अगर प्योर है तो कभी भी कोई इचिंग नहीं होगी हल्की सी सेंसेशन किस तरह इसके मसाज कर रहे हैं ये वाले तेल लगा के हमने जो विटामिन ई ऑयल लिया है 1 टीस्पून और हमने स्नेक ऑयल यानी सांप का तेल और बादाम का तेल लिया है 1 खाने के चम्मच दोनों एक ही ठीक है और ये तीनों मिलाकर हमने लगाए हैं अरोहा के सर पर और ये देखिए किस तरह मसाज स्कैल्प का मसाज होना चाहिए बालों को नहीं नोचना चाहिए कभी भी ठीक है एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं ब्रेक के बाद अरोहा जो है उसकी खरांडों की आवाज़ आपको ज़रूर सुनाई देगी क्योंकि वो सो जाएगी तो रिलैक्स हो अरोहा और ईशा दोनों आप भी रिलैक्स हो क्योंकि हम आज आपको ये बता रहे हैं कि आपको होने की जरूरत है एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान सैलून वर्सेस घरेलू टोटके टिप्स हम आज आपको अपने शो पे दे रहे हैं आपको नई टेक्निक्स बता रहे हैं कि सैलून में क्या क्या चीज़ें और आ गई जिसकी वजह से आप और ज़्यादा फ्रेश नज़र आ सकते हैं जी और हमारे साथ ईशा और रोहा हैं अब हम वैक्स की तरफ चलते हैं वैक्स बहुत ज़रूरी है मेरा ख्याल से वैक्स सबको करानी पड़ती होगी ठीक है ना खास तौर पर शादीशुदा खवातीन तो वैक्स के बगैर नहीं रह सकती या फिर वो क्रीम यूज़ करती हैं तो वैक्स हर कोई कराता है अब अगर हम सैलून जाते हैं ठीक है तो सैलून में वैक्स कैसी कैसी हो सकती हैं ये बताएं क्या क्या चीज़ें आ गई जी सैलून वैक्स में एक तो हनी वैक्स होती है जो बहुत कॉमन है जो हर जगह अवेलेबल होती है अच्छा और शहद से बनती है वो शहद से जो बनती है अच्छा। या चीनी से जो बनती है अच्छा। और अब जो लेटेस्ट वैक्स है खैर इसको भी अब काफ़ी अर्सा हो गया लेकिन ये स्किन के लिए आपके फेस के लिए सेंसिटिव पार्ट्स के लिए बहुत अच्छी है जिसको हम फ्रूट वैक्स कहते हैं या रीका वैक्स कहते हैं ये कैंस में आती है अच्छा। और इसको आपको वार्मर में गर्म करना पड़ता है मेरा कैमरा यहाँ पे कैसे आएगा ये क्या चीज़ है इसका सीरम है कैमरामैन जरा यहाँ पे आके दिखाएंगे ये कैन है जो कि इन्होंने कैन डायरेक्ट जो है वार्मर में डाल दिया गर्म होगा ना नहीं है अभी इतना गर्म ये रीका कैन रीका वैक्स का कैन है इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं उसको नहीं शूट करें इसको शूट करें मिस्टर शकील वो गंदा वार्मर शूट कर रहे हैं ठीक है ये सेंसिटिव पार्ट्स पे भी इस्तेमाल हो जाता है फेस पे भी इस्तेमाल हो जाता है और इसको आपको गर्म करना पड़ता है लेकिन आपने इसको पूरे कैन को ही आपने वार्मर में डालना होता है अच्छा तो ये वैक्स जो है वार्म होके फिर हम इसको बॉडी पे या फेस पे इस्तेमाल करते हैं अच्छा क्या अगर इसको घर में अगर यूज करना हो तो इसको कैन को खरीद के क्या
कैसे गर्म करेंगे आपको एक वार्मर भी लेना पड़ेगा, वैक्स वार्मर, कि ये कैन उसी के अंदर गर्म हो जाता है, फिर जब आपने इस्तेमाल कर लिया उसको बंद करके रख दिया, इस्तेमाल से फिर आधा घंटा पहले ऑन किया तो ये दोबारा गर्म हो जाती है। ठीक है, इसको स्टिक से इस्तेमाल करते हैं या आप छोटे से वैक्स के जो स्ट्रिप्स होती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक सीरम आता है मुंह पे इस्तेमाल करने के लिए ताकि हेयर ग्रोथ कम हो जाए। मुंह पे इस्तेमाल करने, ये सिर्फ मुंह के लिए है। अच्छा, ये भी रीका का ही होता है? ये रीका का ही होता है और ये क्रीम फॉर्म में सीरम होता है। ये आप हर वैक्सिंग के बाद उस एरिया पे लगा देते हैं तो आपके बालों की ग्रोथ जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। और उसके बाद दाने वाने भी नहीं निकलते? कोई दाना नहीं निकलता इसके बाद। अच्छा, इसमें दो चीजें होती हैं कि वैक्स के बाद कुछ लोगों के, जैसे मेरे अक्सर दाने हो जाते हैं, मेरी बहुत सेंसिटिव है, तो मैं कुछ साल में एक दफा वैक्स, इस वैक्स से बिल्कुल कोई दाना नहीं निकलता बशर्ते कि आपकी चीजें स्टरलाइज्ड हों, साफ सुथरी हों, कोई दाना नहीं निकलता। बट कई स्किन काफी सेंसिटिव होती है कि वो निकल आते हैं दाने। एक पोर्शन आपकी बॉडी का ऐसा होता है जैसे आपकी पीठ है, अक्सर खवातीन की देखा है कि वैक्स कराने के बाद पीठ पर दाने निकल आते हैं, तो मुझे किसी ने इतनी अच्छी एक टिप दी थी कि अगर आप बहुत ज्यादा आपकी हेयर ग्रोथ नहीं है तो आप क्या करें कि आप अपनी पीठ की वाला हैंड्स और लेग्स वगैरह की वैक्स करा लें आप, लेकिन बाकी पीठ वगैरह को ब्लीच कर लें, पीठ का पूरी बॉडी जो है उसको वैक्स नहीं कराएं, क्योंकि ओपन पोर्स भी ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ रुआ कम होता है, ज्यादा हार्ट और पैरों पे ज्यादा आपके वैक्स होते हैं। तो मुझे किसी ने ये मशवरा दिया था कि आप जो है वो जो खवातीन जिनके कमर पर ज्यादा हेयर नहीं है तो वो वैक्स वहाँ यूज ना करें, क्योंकि दाने निकलते ही निकलते हैं। और अगर निकल भी आते हैं तो उसका एक और बड़ा आसान तरीका है, आप कोई भी वैक्सिंग से पहले आधा पौना घंटा पहले एंटी एलर्जी दवाई खा लें, उससे भी आपके दाने नहीं निकलते, अच्छा वो सब साइड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सीरम हम बहुत रेकमेंड करते हैं आप बाद में लगाएं ताकि ग्रोथ आपकी कम हो जाए। अब हम इनकी वैक्सिंग करेंगे आईब्रोज की। अच्छा, आईब्रोज की भी वैक्सिंग होती है? बिल्कुल, आईब्रोज की वैक्सिंग, उसमें एक तो वो धागे का प्रेशर नहीं होता, दूसरा ये कि आपकी शेप बड़ी अच्छी डिफाइन खूबसूरत सी शेप निकल आती है। अच्छा, क्योंकि स्ट्रोक एक साथ जाता होगा ना ठक करके, तो अच्छा वो जरा आईब्रोज की वैक्स देखते हैं कि वो कैसी। एक और दर्द भी नहीं हुआ और एक ही फ्लो में निकल गया ना वो धागे की, बार बार जो प्रेशर है वो भी नहीं, धागे से तो बड़ी छीके आती है, दस दफा और आंसू आ जाते हैं, आंसू आ रहे होते हैं दर्द। अच्छा, तुम्हें तकलीफ कम हुई है क्या? नहीं, मुझे हुई नहीं। हुई नहीं? ये बहुत सारी खवातीन को तकलीफ होती है थ्रेडिंग से, किस किस को होती है? मुझे। हाँ, आपको भी, तुम्हें भी होती है? बहुत सारे लोग मिलवा भी नहीं सकती हर किसी से। हाँ, किसी का हाथ हल्का हो ना तो फिर वही बात होती है, बहुत ज्यादा ना कट्स पड़ जाते हैं, बहुत सेंसिटिव स्किन, कभी कभी कट्स भी पड़ जाते हैं। सीरियसली यार, ये तो बड़ी अच्छी, लेकिन ये बहुत एक्सपर्ट के पास आप जाएं और कराएं, क्योंकि ये डेंजरस एरिया है, खुदा ना खास्ता आईब्रो खिंच गई तो गए काम से ना, तो वो बहुत एक्सपर्ट, जबरदस्त और क्विक सर्विस, फटाफट, ना तकलीफ ना कुछ। आपके पास तो जाहिर इसकी एक्सपर्ट अलग होती है, वो बिल्कुल हर फील्ड की, हर सर्विस की एक्सपर्ट अपनी अलहदा है, जो कि हम तो पहले पूरी शेप बनाते हैं क्लाइंट की फेस शेप के मुताबिक। अच्छा, शेप बना के जब वो अप्रूव करती है फिर हम उसको फाइनल वो दे देते हैं, टच दे देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, हम इधर पाँव की तरफ आ जाएं क्योंकि हमने डिप करने हैं इसके पाँव थोड़ी। अच्छा, ठीक है जब तक ये वैक्स के ऊपर, हम फिर घरेलू वैक्स की तरफ हम जाएंगे, जब तक आप भी मेल्ट करें, तब तक हम डिप कर लेते हैं। अब हम आपको पैरों का भी बता रहे हैं कि पेडीक्योर आप अगर सैलून में जाएंगी तो कैसे होगा, और ऑब्वियसली फिर घर में होगा तो वो किस तरह होगा जी। ये हमने गर्म पानी ले लिया तकरीबन 2 कप। ठीक है, 2 कप अच्छा गर्म पानी है, और उसके बाद ये एक मैंने मिक्सचर बनाया हुआ है जो माउथ वॉश आता है लिस्ट्रीन। अच्छा। 1 कप लिस्ट्रीन है और 2 कप सिरका, 1 कप सिरका है, सॉरी 1 कप सिरका। कौन सा वाला सिरका? कोई सफेद सिरका, सफेद सिरका। और जो माउथ वॉश है वो आपने मिला, वो 1 कप माउथ वॉश है। तो ये मैंने मिक्स किया हुआ है, इसलिए मैं 2 अलग-अलग बॉटल्स नहीं लेके आई, एक ही इसमें मिक्सचर है। लेकिन ये आपने माउथ वॉश क्यों मिक्स किया इसमें? क्या माउथ वॉश बेसिकली आपकी स्किन को एक तो डिटॉक्स करता है पाओं को, क्योंकि हमारा बेसिक आज कॉन्सेप्ट पूरी फुल बॉडी डिटॉक्स है। पूरा डाल दो,
तो ये आपने पूरा डाल के पाओं को एटलीस्ट 5-10 मिनट के लिए डिप करना है। थकन भी खींच लेगा, थकन खींचेगा, सिर का थकन खींचता है। अच्छा। और जो माउथ वॉश है लिस्ट्रीन जो मैंने यूज की है वो आप वो आपकी जितनी भी डेड स्किन है ना उसको एकदम खत्म कर देता है। खुशबू भी तो आएगी, खुशबू भी पैरों में से खुशबू भी आएगी क्योंकि अक्सर लोगों के पैरों में से पसीना आता है, पसीने की बू भी आती है। लिस्ट्रीन का एक और फायदा बता दूं कि अब गर्मियां शुरू हो गई हैं तो आप अगर आपके आर्मपिट्स में से बड़ी बू आती है, कुछ होते हैं लोग जिनमें से एक्सेसिव स्मेल्स आती हैं, तो आप लिस्ट्रीन को कॉटन बड पे लगा के या अच्छी सी रुई पे लगा के, तो अगर आप अपने अंडर आर्म साफ कर लें उससे और फिर पानी मत लगाएं तो वो भी बहुत ज्यादा आपकी बॉडी ओडर को खत्म कर देता है। जबरदस्त जबरदस्त, क्योंकि अक्सर परफ्यूम्स लगाने से आपको एलर्जीज हो जाती है, तो इससे नहीं होंगी, इससे बिल्कुल एलर्जी, क्योंकि ये हम मुंह में डालते जाहिर है तो फिर ये कितनी सेंसिटिव स्किन के लिए बना हुआ है। इसमें ऑक्सीजन का एलिमेंट भी होता है, ये बैक्टीरिया जो है उसको भी मारता है साथ साथ। ठीक है, तो ये हम तकरीबन 10 मिनट के लिए पांव भिगोएंगे, 5-10 मिनट के लिए। फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फाइलर है जो हम यूज करते हैं। ये किस लिए होता है? क्या हुआ? हाँ, ये हील्स पे यूज होता है जैसे वो घिसने के लिए, घिसने के लिए बजाय वो स्क्रबर ले, वो स्क्रैपर लेके और वो फाइलर लेके हम करें तो ये इंस्टेंट आपको रिजल्ट देता है। मतलब एक पेडिक्योर जिसमें 45 मिनट्स लगते हैं, हम 20 मिनट्स में करके 10 मिनट की एक्स्ट्रा मसाज क्लाइंट को दे देते हैं रिलैक्सेशन मतलब के लिए। कि जल्दी भी हो गया, रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिला आपको। और फिर नाखूनों की बफिंग के लिए, नेल्स के लिए ये बफर है। अच्छा, ये भी इलेक्ट्रिक है और ये आप नेल पे रखा, नेल पे रखा और आराम से आपका पूरा नाखून जो है वो बफ हो जाता है, चमक आ गई। हाँ, अभी तो जो एक्स्ट्रा लाइंस पड़ जाती हैं कई लोगों के नाखूनों पे, तो ये लाइंस वगैरह जो येलो रंग हो जाता है, पीला रंग, ये सारा उसको साफ कर देता है। तो बहुत ही अच्छी चीज है भाई, वो काम जो आपका दस मिनट लाती है हर सैलून पे नहीं होती ये चीज़। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आ गई। फिर उसके बाद ये बफर है, आप बफर डाल लगाते हैं। पता है आपकी जो सैलून की ओनर है वो पढ़ी लिखी होती है ना, फिर उस सैलून की लुक ही अलग आती है और ये आपकी बफिंग आ जाती है, ये शाइन पैदा करता है। ज़ाहिर इस पे हमें थोड़ा सा क्यूटिकल ऑयल लगाना पड़ता है। अच्छा, फेस पे। अच्छा, आप ये इसके टिप चेंज करती जा रही हैं क्योंकि हर टिप डिफरेंट है ना। ये देखो, ये फाइल वाला टिप है। अच्छा, ये नेल फाइल करने के लिए। ये स्मूथ वाला टिप है। अच्छा, तो ये है। फिर इसकी सफाई का कैसे करती हैं, जैसे एक के ऊपर हुआ फिर दूसरे के ऊपर हुआ? हमारे अल्कोहल स्वैब्स होते हैं वो। अच्छा। करने के बाद फिर हम स्टरलाइजर में रख देते हैं तो वो साफ सुथरा हो जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक चीज को रख सकते हैं आप स्टरलाइजर में? इसके ये ब्लेड्स निकल जाते हैं, ये हम रख देते हैं, ये पूरा नहीं रखते, ये रखते हैं सिर्फ अगले वाले। आईब्रोज कोई ना कोई दर्द हुआ? हाँ, वरना मैं ये कि वैसे बनवाती हूँ तो जो है वो तकलीफ होती है, बकायदा आंसू आ जाते हैं और बहुत देर तक नहीं बन पाती। बैठी रह जाए, अभी रुक जाएं, अभी रुक जाऊँ, फटाफट बन गए। और फटाफट जिनके पास टाइम नहीं है फिर। अच्छा, अब आप ऑयल भी अप्लाई करेंगे? ठीक है, ये भी हो गया। अब ऑयल अप्लाई किया और फिर ये बाल अब देर से आएंगे, ये सबसे अच्छी चीज हो गई। अच्छा, बॉडी वैक्स के लिए इसकी स्पेशल एक ऑयल आता है, लेमन ऑयल आता है, वो मैं लेके नहीं आई क्योंकि वो फुल बॉडी के लिए होता है। तो ये पूरी वैक्स करने के बाद आप ऑयल लगा देते हैं तो उससे भी ग्रोथ जो है वो मिनिमाइज होती है। लेमन ऑयल होता है, स्पेशली रीका का ही होता है, वो स्पेशली रीका का ही आता है। अच्छा, तो उसकी वैक्स, बॉडी वैक्स की जो वैक्स होती है वो अलग होती है और फेस की अलग होती है? फेस की और सेंसिटिव पार्ट्स की, अंडर आर्म्स की और दूसरे एरियाज की वैक्स बिल्कुल अलग होती है और बॉडी की बिल्कुल अलग होती है। अच्छा, ये लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये सेंसिटिव एरियाज की? एवोकाडो जो है, एवोकाडो जो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो फेस की और सेंसिटिव एरियाज की है। अच्छा। बाकी इसमें लेमन, स्ट्रॉबेरी, पर्ल, बहुत सारे और फ्लेवर्स आते हैं, वो बॉडी की वैक्स होती है। हमें कलर्स बता सकती है ताकि लोगों को पता चले? उस पे लिखा एवोकाडो व्हाइट कलर का, एवोकाडो व्हाइट कलर का होता है जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सेंसिटिव एरियाज के लिए है, बस सिर्फ ये सेंसिटिव एरियाज के लिए, क्योंकि पार्लर में सारी एक ही से होती है वैक्स। और अगर आप बॉडी की वैक्स मुंह पे यूज करेंगे तो आपकी स्किन उतरना शुरू हो जाती है, वो काफी डेंजरस होती है। तो आपने डिपेंड कर, मतलब ये अब जाहिर है थेरेपिस्ट पे डिपेंड करता है कि वो क्या इस्तेमाल कर ले। कलर है लाइक ग्रीन कलर की होती है, ग्रीन एप्पल आती है पूरी बॉडी की, और वो आप फेस पे इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, फेस पे नहीं इस्तेमाल। अच्छा, फिर येलो आती है, येलो आती, लेमन आती है, रेड स्ट्रॉबेरी आती है, इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। फेस की सिर्फ एवोकाडो है ना। अच्छा, और ऑरेंज भी आती है? ऑरेंज भी आती है, बट ऑरेंज बहुत सारे बड़े बड़े सैलून जो है ना वो ग्रीन वैक्स, वो येलो वैक्स, वो ये ऑरेंज वैक्स ये फेस पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब मैं आपको बता रही हूँ
आपकी ये जो आपके दाने शाने निकल रहे हैं स्किन उखड़ है, क्या वजह है? स्किन उखड़ने से तो एकदम स्किन उखड़ जाती है। अच्छा, तो ये चीजें बड़ी मुश्किल में डाल दिया भाई, सोचनी पड़ेगी। अच्छा आप मैं हाँ ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो फिर हम आपको बताएंगे कि घर में आप कैसे वैक्स बनाएं, घर में आप कैसे पेडीक्योर का सामान तैयार करें, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कुछ, लेकिन उससे पहले डॉक्टर उमेर अहिल बताएंगी कि वैक्स अगर आपने घर में बनानी है तो आप कैसे बना सकते हैं। बड़ी झटपट वैक्स बन जाती है, डिफरेंट वैक्सेस हम बना चुके हैं, अभी हम बना रहे हैं हॉट वैक्सेस। अभी रेखा की वैक्स देखी थी, हॉट वैक्स के लिए हमें चाहिए बेरोजा, खुश्क बेरोजा। बेरोजा क्या होता है? बेरोजा होता है, गोंद होती है, गीला बेरोजा सदियों से इस्तेमाल हो रहा है वैक्सिंग के लिए, ठीक है। इसका गोंद होता है, ड्राई फॉर्म में होता है। अच्छा, खुश्क बेरोजा लेंगे दो हिस्से और 20 वैक्स लेंगे एक हिस्सा, ठीक है। सिंपल इसको हमने मेल्ट करना है मिक्स करके और ये आपकी हॉट वैक्स घर की तैयार हो जाती है, ठीक है। और इसको जैसे लाइक आपने चेक करके लगाना है, जिस तरह से हॉट वैक्स यूज होती है, ठीक है, ये आपने ऐसे लगाया और ये इस तरह से जबरदस्त मेल्ट किया और लगा बस, जैसे आपने जैसे हॉट वैक्स यूज होता है बस इस तरह से। ये जबरदस्त, ये आपकी हॉट वैक्स घर में तैयार हो गई, इतनी ज्यादा खर्चा भी नहीं। बिल्कुल। अच्छा मैं आप लोगों को ये बताना चाहती थी कि देखिए एक जमाना ये था कि लकड़ी के चूल्हे पे खाना बना करता था, यानी कि लकड़ियाँ ला के और फिर चूल्हा जला के खाना पका देते। फिर जमाने चेंज होते गए, जिद्दत आती गई, एक जमाना था खत डाकिया लाया करता था और खतों का इंतजार किया जाता था। अब इंटरनेट आ गया, इंटरनेट की वजह से आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करीब हो गए हैं। खत तो दूर की बात, बल्कि आप एक दूसरे की शक्ल देखकर आपको लगता है कि आप बिल्कुल एक दूसरे के करीब बैठे हैं। इसी तरह घर के कामों में भी जिद्दत आ गई। पुराने ज़माने की ख़वातीन जो हैं वो मिट्टी और जूने इन चीज़ों से बर्तन मांजा करती थी और ज़माना लग जा घंटे लग जाते थे जो बर्तन मांज मांज के। फिर बार का ज़माना आया, यानी कि आपने बार लिया, ज़रा सा साबुन लिया, ज़रा सी आपने उस पर स्पंज रखा और बर्तन धुल गए। अब जमाना और चेंज हो रहा है और अब जमाना आ गया है डिश वॉशिंग लिक्विड का जमाना, कि आपने एक ड्रॉप डाला और एक ड्रॉप डालते ही आपकी मतलब लाइक आप इस 30 रुपए के पैकेट से 1300 प्लेट्स धो सकते हैं। और क्योंकि मजे की बात क्या है, मजे की बात यह कि ये जो इतना इजी है ये यूज करने के लिए कि इसमें जो है पाउच जो है इससे सिर्फ एक ही ड्रॉप निकलता है, एक ड्रॉप से आप एक प्लेट आराम से धो सकते हैं। तो आप आपका खर्चा भी नहीं होगा, 30 रुपए में 1300 प्लेटें धुल सकती हैं। तो ये एक बहुत और आसान है तरीका इसका यूज़ करने का। जब आप साबुन या कोई और चीज़ यूज़ करते थे वो एक तो जल्दी घुल भी जाता था पानी में रखा रखा, उसके बाद क्या होता था थोड़ी सी साबुन की स्मेल भी आ रही होती थी। मगर अब इस वॉशिंग लिक्विड से बहुत आसानियाँ पैदा हो गई हैं, पैसे भी बच रहे हैं, इकोनॉमिकल है और साथ साथ इतने सारे बर्तन इस लिक्विड से धुल सकते हैं। चमकाता है, चिकनाई हटाता है, बदबू दूर भगाता है, तो इतने सारे फायदे आपको एक साथ मिल रहे हैं। अब अगर आपको ये चाहिए तो ख़रीद भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको मेरे शो से चाहिए तो ये जीतने के लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। कौन जीतना चाहता है इस पैकेट को? हाँ भाई आइए आइए आ जाए, एक एक करके आए ना, आ जाए आ जाए आप। अच्छा अब आपसे सवाल मैं करूंगी और आप जवाब अपने मुंह से नहीं देंगी, इतना आप जवाब ये डार्ट है ना इसको निशाना लगा के देंगी, समझ रही हैं मेरी बात? जैसे मैंने आपसे सवाल किया कि जो इकोनॉमिकल पैक है लेमन मैक्स लिक्विड वॉश का ये कितने रुपए का आता है, बताना नहीं है, जवाब डार्ट से निशाना लगा के दो, वहां लिखा हुआ है। चलो निशाना लगाओ, करीब चली जाओ, थोड़ा बेईमानी कर लेते, थोड़ा आ जाओ, चीटिंग कर लेते हैं और कहीं जाना तो चले जाओ जहाँ से तुम लगा सकते हो, लेकिन मुझे तुम्हें गिफ्ट देना है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि कितने का आता है। रेडी गेट सेट एंड और ये कह रही मुफ्त का आता है, नहीं करीब जाओ करीब और ये लो जाके लगा दो, भाग के लगा दो, भाग के लगा दो, बेईमानी कर लो, बेईमानी भी नहीं कर रही, भाग के लगा दो। रेडी मैं अपने घर ले जाऊंगी, सच्ची बता दूं तीसरा आखिरी मौका है, जाके लगा दे घर ले जाऊंगी, ये मेरी बचत हो जाएगी, थोड़ी और करीब जाओ, चलो लगा दो। हाँ जी मैं नहीं दे रही तुम्हें गिफ्ट, हाँ इतनी करीब गई, दूसरी आओ दूसरी आओ। अच्छा बता दो जाओ कितने का है, आ जाओ
निशाना लगाओ। हाँ भाई कितने का है लेमन मैक्स इकोनॉमिकल पैन पैक? अरे यार ये उठाओ और यहाँ लगा दो, तुम लोगों के निशाने कच्चे हैं। चलो एक आखिरी मौका दे रही हूँ, सलाखियाँ भी मुझे सिखानी पड़ती हैं। अच्छा दूसरा सवाल, आओ भाई दूसरी लड़की आ जाओ, तुम लंबी हो तुम्हारा निशाना पक्का होगा मुझे लगता है। हाँ चलो, 30 रुपए में लेमन मैक्स लिक्विड वॉश कितनी प्लेटें धोता है? 30 प्लेटें? गलत जवाब, गलत जवाब। ओके, वो बेचारी उसने 1300 पे डाला था मगर वो नीचे आ गया, देखे ये बेईमानी, इसने डांट निकली, ये लो तुम जीत गए। आज ही अपने घर लाएं और अपने घर के अलावा पड़ोस की भी प्लेटें धो दें, क्योंकि ये 1300 प्लेटें होता है, ज़ाहिर है आपके घर में इतनी भी तो प्लेटें नहीं होंगी ना। तो ये था हमारा आज का शो, थैंक यू सो मच आलिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू ईशा, थैंक यू सो मच डॉक्टर मिराहिल। और वो भाग गई क्योंकि अरूबा ने शूटिंग पे जाना था, तेल लगा हुआ है सर पे, उसे वॉश करना है, तो वो भागी। थैंक यू अरूबा, अरुहा अरुहा। और ये आज के जो ट्रीटमेंट्स थे ये हमने आपको दिखाए, बड़ी मजे से इनकी इनका पेडिक्योर हो रहा है, रिलैक्स होने के लिए आए थे आज ये लोग। अगर आप भी रिलैक्स होना चाहते हैं तो आलिया फारूक के सैलून जा सकते हैं, और अगर नहीं जा सकते हैं तो डॉक्टर उम्मे राहिल की बताई हुई चीज़ों को अपने घर में इस्तेमाल करें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, बहुत ख्याल रखिएगा, मंडे को मिलेंगे जबरदस्त शो के साथ। गुड मॉर्निंग।